दादी जी, आपका हमारे इस वीडियो स्टूडियो में स्वागत है। हमको बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे। अब हम आपको कुछ ऐसे भाई बहनों के सामने रखना चाहते हैं जो कि बहुत पिपासा है आपसे कुछ दो शब्द सुनने के लिए। तो उसके लिए कुछ हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसका जवाब हमारे प्यारे भाई बहन आपसे सुनेंगे। तो दादी जी, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए तो उस समय आपकी आयु क्या थी? मेरे ख्याल में मैं शायद 20-22 साल के अंदर होंगी, क्योंकि उसी टाइम पुराने जमाने में तो जल्दी जल्दी आप जानते हो शादी करा देते थे। लेकिन जब बाबा में शिव बाबा आया तो भले हम घर से आती जाती थी, लेकिन जब बाबा में शिव बाबा आया और जैसे आते थे तो बाबा तो लाड प्यार से बच्चों को जैसे बाप खिलाता पिलाता है, लेकिन उसी टाइम बाबा दृष्टि देता था। ऐसे हमको अजीब सा लगता था, बाबा को क्या हो गया? और फिर हम जैसे बाबा को देख के ऐसे मिलती है तो हमको सामने बाबा गुम हो जाता है, श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है, फिर श्री कृष्ण गुम हो के बाबा दिखाई पड़ता है। तो हमको तो इतना ज्ञान नहीं था, हम तो लौकिक में बाप समझती थी, लेकिन कृष्ण और बाबा जैसे मोनो एक्ट कोई हो, ऐसे देख के हमको बहुत विचित्र सा लगा। और हम पूछने लगे अपने माँ से, तो मैया बाबा को क्या हो गया, बाबा तो कृष्ण है। ऐसे बात करते फिर हम जैसे घर गई लौकिक में, तो मेरे को रात को साक्षात्कार होता है। सपना कहो या साक्षात्कार कहो, सपना ही कहेंगे अज्ञान में। तो हम सपने में देखती है बाबा हमको कहते हैं तो बेटा, कभी बेटा कहे कभी बेटी, सावधान। हम आश्चर्य खाई, क्या बात है? बाबा कहते हैं बच्ची अब तुमको ज्ञान सुना है और तुम शक्ति बनना है। ये बाबा तुम्हारा वो बाबा नहीं है, इस बाबा में परमात्मा ने आके इस संसार के कल्याण के लिए इसका पाठ रखा है, इसलिए बेटी सावधान हो जाओ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि लौकिक में भी आपका बाबा से संबंध था? लौकिक में तो हमारे जन्म देने वाला बाबा यही था, जन्मदाता था, तो हम लौकिक में भी बाबा ही कहती थी वैसे, क्योंकि लौकिक में संसार में दादा कहते हैं ना बाप को, लेकिन हम जब बचपन से ही बाबा को बाबा, क्योंकि जन्म दाता भी यही है, पालना भी इसने की। और फिर शादीशुदी करा दी तो फिर हम घर से आती जाती रही। और जब पहले पहले बाबा में शिव बाबा आया तो बाबा बनारस में थे और हम हैदराबाद में थे। तो जब बनारस से बाबा आया तो हम नियम पर माँ, जैसे माँ बाप के घर बच्चे जाते हैं वैसे नियम से गई, तो हमेशा जैसे बाबा हम लोग को लौकिक में मिलता था ना, बेटी ये लाया वो लाया, ये खाओ ये खाओ, वो नहीं करके बस दृष्टि देता रहा। और उसी बाबा के दृष्टि में विचित्र अलौकिकता, बाबा हमको दृष्टि दे और हमारे अंदर से अजीब सा लगे, वो जो देह का संबंध था वो अंदर जैसे गुम होता जाए और हमको लगे तो मैं भगवान के सामने खड़ी, श्री कृष्ण के सामने खड़ी। ऐसे करते भले नियम जैसे हम लोगों का था गले लगे, लेकिन फिर बाबा ऐसे हाथ घुमा के कहे बच्ची तुमको बहुत काम करना है, सेवा करनी है, तुम शक्ति हो, विश्व कल्याण तुमको करना है। तो हमारे मुख से निकल गया तो विश्व इतना बड़ा और हम इतनी छोटी बेबी 20-22 साल की, विश्व कल्याण हम कैसे करेंगे? तो बाबा मुस्कुराते दृष्टि दिया और सचमुच थोड़े टाइम के बाद हमारी बुद्धि एकदम चेंज हो गई। जो देह का संबंध लौकिक जो था वो, वैसे तो बेबी 2 महीने की थी, लेकिन 2 महीने की बेबी थी, जन्मी थी पहली थी, लेकिन हमारे मन में ऐसी अजीब सी लगन लग गई। जो बाबा थोड़े टाइम के बाद कराची में गया, ऐसे जाता था बीच बीच में, जैसे हमारा मन न लगे, हम भी घर से छुट्टी लेने लगी तो हम बाबा से मिलने जाऊं, क्योंकि वो जो बाबा सो कृष्ण देखा था गले लगते लगते, तो वो मन में वो लगन हो गई तो मैं बाबा से मिलने जाऊं।
तो घर से जब छुट्टी मांगी तो आप समझ सकते हो, 2 महीने का छोटा बच्चा तो कोई संभालेगा नहीं। लेकिन हमारे लौकिक घर वाले इतने अच्छे थे, और जो सासू थी उसका बाबा में इतना भाव था, वो हमको कहती थी तुम्हारा बाबा भगवान है। हम बोलती थी इंसान कभी भगवान हो सकता है क्या? तो मेरे को बड़े प्यार से वो समझाती थी, तुम जानती नहीं हो, पहचानती नहीं हो, लेकिन तुम्हारा बाबा भगवान है। ऐसे भावना होने के कारण उस 2 महीने के बेबी को उसने ले लिया, कहा इसको मत ले जाओ, तुम संभाल नहीं सकती हो, तुम भले 2-3 दिन चक्कर लगा के आओ। मैंने कहा 2-3 दिन नहीं, मैं 1 हफ्ता 5 दिन जरूर रहेंगी। कहा ठीक है भले। तो वो तो 2 महीने की उसको दे दी और मैं चली गई कराची में बाबा के पास। बाबा को भी वंडर लगा, तो ये अकेली कैसे आ गई बच्ची, तुम कैसे आ गई? मैंने कहा बाबा मैं आ गई हूँ और हम आपसे मिलने आई हूँ। बस दृष्टि लेती रहे और मेरे को बाबा बाबा ही नहीं दिखाई पड़े। और अंदर से हमारे को ऐसा बैठ गया तो ये बाबा भगवान है। तो हमारे मुख से निकलता था तो बाबा मुंह में हाथ रख के कहता था बच्ची ऐसे मत बोलो, इंसान कभी भगवान होता है क्या? ऐसे भी कहता था, चुप भी कराता था, फिर दृष्टि ऐसी देता था जो हमको श्री कृष्ण दिखाई पड़े। और हम जब दृष्टि लेती लेती रहती थी, रात को सोएंगी तभी भी सपने में देखेंगी तो बाबा तो कृष्ण है। जब देखती थी तो वंडरफुल बात है, एक दिन बाबा से बैठी खड़े बाबा बात कर रहा है, हम खड़े खड़े ऐसे बाबा को गले लगा दिया जैसे छोटे बच्चे को कोई। और बताना तो नहीं चाहे परंतु बताती हूँ तुमको, क्यों पूछ रहे हो तो। और बाबा भी सच बच्चे जैसे हमने बाबा को गोदी में उठाया ना, बाबा कितना बुजुर्ग और हम इतनी छोटी 22 साल की, तो बाबा भी बच्चे जैसे ऐसे हमारी गोदी में लेटा, अंगूठा चूसने लगा ऐसे करके। और हमको एकदम उसी टाइम लगा बड़ा नहीं बाबा छोटा है, और हम ऐसे करके जैसे श्री कृष्ण को कोई प्यार करे ना बच्चे को, ऐसे हम गोदी में बिठा के बाबा को ऐसे करने लगी। तो 2-5 मिनट में बाबा ने क्या किया, हमारी आंख पर ऐसे हाथ रख दिया, सावधान ये क्या कर रही हो, माना इतने बड़े बाबा को हम पकड़ के गोद में बिठाए, सावधान ये क्या कर रही हो। तो बस मेरा ध्यान टूट गया और हम भी देखा ये क्या कर रही हो, जो टूट के खड़ी हो गई तो ये क्या कर रही हूँ। बस वो समझो वो टाइम था हमारे बुद्धि को चेंज कर, नेचुरल। उसके बाद हमारी बुद्धि सारी ज्ञान में चली गई, बस मैं बाबा की जो बाबा कहेगा जैसा कहेगा वैसे ही मैं करूँगी। उसके बाद फिर हम वापस लौटी नहीं, मानो 2 महीने की बेबी छोड़ी, उसके बाद हम घर वापस नहीं लौटी। और ड्रामा कहे विचित्र ही, उसी टाइम में पाकिस्तान हिंदुस्तान के भी थोड़े थोड़े झगड़े चालू हो गए। उस झगड़ों में हम लोग भी कराची में रह गए, सिंध में लौटे नहीं। फिर कुछ समय के बाद फिर बाबा मूली जो चलाता था ना, स्त्री भान छोड़ो, देव मान छोड़ो, तुम आत्मा ज्योति शक्तियां हो, तो आपको शायद मालूम होगा, तो हम लोगों की ड्रेस भी चेंज हो गई, वो जो जेवर फेवर ये जो पहनते थे। हाँ आप थोड़ा विस्तार से सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। विस्तार से सुना रही हूँ ड्रेस आदि के बारे में। ड्रेस जो हम लोग को पहले तो जेवर वगैरह रंगीन कपड़े जैसे संसार में होता है, और बाबा को तो वैसे भी बहुत शौक था जेवरों वगैरह, ज्वेलर तो था ही, तो बाबा ज्वेलर था, तो उसी हिसाब से बाबा हम लोग बच्चों को ऐसे अजीब से संस्कार थे, जैसे संसार में लौकिक में बिजनेसमैन होगा तो धंधा करेगा तो ग्राहकों को दिखाएगा, लेकिन बाबा की प्रकृति ऐसी थी, कलकत्ता में रहते थे तो उसी टाइम कलकत्ता में अंग्रेजों का राज था, तो फॉरेनर्स बहुत आते थे। और बाबा की हॉबी क्या थी, अच्छी चीज बनाएगा ना ज्वेलरी की हीरे की, वो दिखा भी सकता है, सैंपल भी दिखा, लेकिन बाबा को सूक्ष्म भक्ति मार्ग में तो थे ही, भक्ति तो इतनी थी क्या बताएं, हम लोग छोटे से, मेरे को अनुभव नहीं है तो हम छोटी ऊंट के दूध मांगू तो दूध मिले, कहेगा नहीं पहले पूजा करो, मंदिर में गई पूजा करके आई पीछे दूध मिलेगा, तो मंदिर में जाके हाथ जोड़ के भी पूजा थोड़ी करेंगे
उसके बाद हम लोग को दूध मिलता था, इतना बाबा में भक्ति के संस्कार पक्के थे। स्कूल में देरी होती है, कोई हर्जा नहीं, पूजा करो तब खाना मिलेगा। तो भक्ति तो इतनी जास्ती थी। और सबसे वंडरफुल बात ये है, तो पूजा तो ठाकुरों की और पूजा देव देवताओं की जाती है, लेकिन हमारी जो लौकिक मम्मी थी यशोदा मैया, जिसको हम लोग कहते थे ज्ञान के बाद, वो बाबा की लौकिक में पूजा करती थी। जैसे कहते हैं ना, पति ईश्वर है, परमेश्वर है, तो बाबा जैसे तैयार होके आएगा खाना खाने के पहले, वो बाबा को कायदे से पूजा करती थी। तिलक में आप देखेंगे बाबा के पुराने फोटो में हमेशा तिलक लगा हुआ होगा। तो वो बाबा की जैसे पति परमेश्वर की पूजा की जाती है, तो वो करती थी। अच्छा, माँ को देखते हैं पूजा करती है, तो नेचुरल है छोटे छोटे बच्चों में भी वो संस्कार होंगे। तो हम सोचते थे शायद हमको भी करनी है, तो बाबा के आगे जाएंगे तो गोद में बैठा देगा, तो बेटी तुमको थोड़ी पूजा करनी है, तुम खाओ। फिर हम लोगों को खिला देता था टोली और उठा देता था, और पूजा करके खा पी के अपने धंधे में जाता था। अच्छा, जब बिजनेस में जाएगा तो सुख हम ये शक्तियाँ हैं लड़कियाँ, अच्छे में अच्छी जो चीज़ ज्वेलरी की बनाएगा वो हम लोगों को पहनाएगा। जब ग्राहक के पास जाता है, समझो क्वीन एलिजाबेथ के पास गया, तो सैंपल्स ले जाएगा, वो भी उठाएगा बॉक्स, लेकिन हम लोगों को भी अच्छी अच्छी चीज़ें पहना के जाएगा। तो जब वो बॉक्स दिखाएगा, ज्वेलरी दिखाएगा, कैटलॉग दिखाएगा, किताब दिखाएगा, वो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से देख के वो कहते थे, लखीराज बाबू, ये तुम्हारी बेबी को जो पड़ा है ना, ये ऐसा डिट्टो हमको बना के देना। तो एक बार बाबा ने एक बक्कल बनाया था, वो बक्कल सूर्य के किरणों जैसी डिजाइन था, और उसके अंदर जब हम पहनेंगे ना तो ट्यून बजेगा, हीरे की चीज है परंतु ट्यून बजेगा। वो हमको पहना के बाबा अंग्रेजों के राज में एलिजाबेथ के पास चला, वो उसी टाइम कलकत्ता में आई हुई थी और खरीदारी करने के लिए। तो बाबा ने बहुत ज्वेलरी दिखाई, परंतु वो देखते देखते कुछ कुछ लेती भी गई, और फिर बोलती है, तुम्हारे बेबी को जो पड़ा है ना, क्योंकि वो जैसे हमको उठा के गोद में बिठाती है तो ट्यून बजता है, लेकिन हम तो उतार के देंगी नहीं ना, वो हमारी चीज है, तो उसी टाइम बाबा भी नहीं दे सकता है। तो जब पूरा हुआ ना, उससे बातचीत करते तो बोलते हैं, जैसे तुम्हारे बेबी को पड़ा है ना, मेरे को ऐसा चाहिए। बाबा ने कहा ठीक है, वो बन जाएगा। तो बाबा तो सचमुच विचित्र बाबा था। जब हम लोग घर गए, हाँ ये वंडरफुल बात है, रात को तो सोएंगे पहन के नहीं सोएंगे, सब ज्वेलरी उतर गई, सब हीरे जवाहरों सिंपल पड़ा रहे, पर वो उतार दिया। अच्छा, दूसरे तीसरे दिन जब हम घूमने जा रहे थे फिर भी, तो हमने कहा बाबा हमको वो बाजे वाला बक्कल चाहिए, उसमें ट्यून बजता है तो बच्चे को कन रस होता है, तो बाबा हमको वो बाजे वाला बक्कल चाहिए। ए बाजे वाला बक्कल, बच्ची कल की पुरानी बासी रोटी खाएंगी? मैंने कहा नहीं, तो जब कल की बासी रोटी नहीं खा सकती हो तो बक्कल कैसे पहनेंगी? अब सुनो, रोटी कहाँ, आटे की चीज़, और बक्कल हीरे की चीज़, लेकिन हमको डांटे भी नहीं, ये भी नहीं कहे वो बिक्री हो गया, हमारा मन छोटा हो जाएगा, बच्चों को हमेशा खुश रखता था, कभी बच्चे का चेहरा भी छोटा ना हो, खुश रखेगा। तो हमको खुश रखने के लिए कहते हैं, बच्ची वो तो मॉडल पुराना हो गया, चलो अब तुमको दूसरा नया पहना था, समझा? तो हमको फिर दुकान से अपने गद्दी से दूसरी अच्छी अच्छी चीज़ पहना देगा, तो बुद्धि से वो निकल गया, भूल गई बात छुट्टी। अच्छा, वो बिक्री हो गया, बाजे वाला बकल चला गया एलिजाबेथ के पास। फिर हम लोग दूसरे चेंज करते करते, टोटल बाबा की प्रकृति ऐसी विचित्र थी, ऐसी ऐसी चीजें पहनाएंगा जो दूसरे तीसरे दिन वो होगी नहीं, सेल हो जाएंगे। और समझो, और कभी कभी बाबा का जो पार्टनर था वो कभी कभी बाबा को कहता था, क्या तुम बच्चों को पहना के फिर तुम बिक्री करते हैं? तो बाबा कहता था, पार्टनर को कहता था, देखो सेवक राम, ये शक्तियां हैं, कन्या सौ ब्राह्मण से उत्तम शक्ति है, इसको छू के बेचने से दाम ठीक मिलता है, तुमको क्या पता।
तो बेचारा वो चुप होके कहता था फिर मैं भी अपने बच्चियों को पहनाऊं, लेकिन वो पार्टनर था भले पर तो बिजनेस में अटेंशन नहीं था, सारा बाबा का ही चलता था। और वो हैदराबाद में रहता था, बाबा फैमिली सहित कलकत्ते में, वो पूजा पूजा के टाइम बीच बीच में आएगा और आके जब हम लोगों को देखता था ना ऐसी ऐसी चीज़ें, तो कहता था देखो इसको जो दिया है ना वो हम अपने बच्चे के लिए पहनाएंगे। तो बाबा हंस के कहता था भले पर तो ये तो आज पहना है कल इसके पास होगा ही नहीं, ये तो बिक्री हो जाएगा। तो कभी कभी वो पार्टनर हम लोगों को माना सिखाने के लिए कहता था देखो तुमको ये बाबा उतार देते तुम दियो मत, ये बाबा तुम्हारा बेच देगा फिर तुम क्या पहनेंगी। तो हम हंस के कहते थे तो बाबा को थोड़ी ना बोलेंगे, बाबा बेच देगा फिर बाबा हमको दूसरा नया पहनाएगा, इनसे भी अच्छा पहनाएगा। तो पार्टनर को अंतर से आता था ये बच्चे भी कैसे इसके बुद्धू है, मना इतनी अच्छी चीज़ें हीरे की फर्स्ट क्लास और पहनते भी दिल से है और फिर वो उतार के बिक्री भी कर देता है, तो बच्चों को जरा भी नहीं आता है, चिर गुस्सा लगता है तो भाई बाबा ये क्यों करता है। हमको बहुत समझाता था पार्टनर। तो देखो वो हमको कहता था बेटा देखो बाबा को तुम उतारती हो ना छिपा के रखो, बाबा को उठाने नहीं दियो। हम हंस के कहते थे क्यों, बाबा ले जाएगा तो हमको नया मिलेगा, इसमें क्या हर्ज है, पर तो ऐसा थोड़ी मिलेगा, कभी सिंपल मिलेगा कभी अच्छा मिलेगा, वो तो जैसी चीज होंगी, लेकिन हम लोग को अंदर से कुछ नहीं होता था। अच्छा इसका प्रमाण क्या हुआ, फर्ज करो हम ये कहानी सुना लिया, लेकिन आप लोगों को क्यों ये विश्वास आए तो बराबर ये चीज़ होंगी। तो हम 1980 में फॉरेन चक्कर पर गई थी टूर पर जी। मेरे ख्याल में 40 देशों में चक्कर लगाया होगा, सब तरफ गई थी थोड़ा थोड़ा टाइम, 3 महीना चक्कर पर थी। तो जब हम क्वीन एलिजाबेथ के उसमें गई महल देखने जी। तो वैसे तो पब्लिक को अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन उसको उसका मैनेजर वगैरह था तो उसको वहाँ के लंदन के किसी भाई बहन ने बता दिया, तो ये जो हमारा स्थापक है बाबा का नाम लेके तो उसी की ये लड़की है। तो वो उनको मालूम था कलकत्ता में बाबा को जानते हैं, कोई बुजुर्ग थी वो जानती थी, तो उसने जाके क्वीन को बताया क्योंकि मैंने बोला तो हम क्वीन से मिलेंगी, मिलने की इच्छा दिखाई, तो ऐसे तो सबसे मिलती नहीं है, पर उन्होंने जाके उसको बताया तो उसने कहा तो उसकी लखीराज बाबू की लड़की आई है कलकत्ता की, हाँ उसको अंदर ले आओ। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब उन्होंने हमको शोकेस सारा दिखाया ना घुमाया, तो उस शोकेस में वही बक्कर रखा था ट्यून वाला जो बाबा तो बेच दिया ना, हमको तो बोलेगा मॉडल पुराना हो गया, लेकिन कोई नहीं एलिजाबेथ के शोकेस में रखा था। तो हमको ये तो पता नहीं था, तो भाई कुछ बोलना नहीं चाहिए, प्राइवेट चीज है। हमने सेक्रेटरी से पूछ लिया मैनेजर से, तो इसके अंदर ट्यून बजता है ना, फंक हो गया एकदम फंक हो गया। तो इंडिया से ब्रह्मा कुमारी कपड़ा तो ये पड़ा है, इसको प्राइवेट चीज का मालूम कैसे, इसमें ट्यून बजता है इसने लॉकर में कैसे देख लिया कैसे समझा, पता नहीं कौन सी आईडी है। तो वो गई ऊपर रिपोर्ट गई, उसको पता लगा, उसने कहा अच्छा उसको ले आओ मैं देखूं कौन है। तो जैसे हम गई तो वो हमको देख के पहचान गई, कुछ बुजुर्ग तो थी हम तो छोटी थी, जैसे गई तो बस गले लगे, हाँ पूछने लगी वो बाबा कहाँ, फिर मैंने बाबा का बताया तो उसके दिल थोड़ी छोटी होने लगी। तो उसने अपने सेक्रेटरी को कहा तो इसके पाप नहीं तो बनाया है और इसका ही पहना हुआ हम लोगों को मिला है, इसलिए इसको मालूम है तो इसमें ट्यून बजता है, तुमने पहना था। तो मैं हंसने लगी क्योंकि हमको इतना थोड़ी याद, पर देखने से तो नहीं याद आ जाता है। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा हाँ। तो कहती है इसके बाप का स्वभाव ऐसा था स्वीट, जो बच्चों को ये सैंपल है मेरे लिए बोलते ये सैंपल है। मैं भी मुस्कुराने लगी, कहा इन्हों को पहना के ले आता था हम लोग पसंद करते थे तो तुम्हारा उतार जाता था। तो मैं हंसने लगी, फिर बोलती है तो पहनेगी, मैंने कहा नहीं अब तो हम सन्यासी हो गए।
उसको ऐसे करके दिखाया, अब तो हम सन्यासी हो गई, लेकिन बहुत प्यार दिया, ये खाओ वो खाओ। फिर हम लोगों ने उसको समझाया, भाइयों ने, तो ये कहीं भी कुछ खाते नहीं है, ऐसे पकड़ के कहते हैं मैं इसको जाने ही नहीं देंगी। ऐसे इसका मैं जब इसके फादर के पास जाती थी, याद है, वो बिना खिलाए हमको छोड़ेगा नहीं, हम खरीदारी भी करेंगी, हम तो ग्राहक थी, वो ग्राहक है, वो बिजनेसमैन है, फिर भी खिला के भेजते तो हम बिल्कुल इसको जाने नहीं देंगी, तुमको मैं जाने नहीं देंगी। तो मैं मुस्कराई, फिर किसी ने कह दिया ठीक है और खा तो कुछ नहीं, जूस पिला दो। तो फिर बेचारी ने जूस निकलवा के पिलाई। इस तरह से उससे मुलाकात करके फिर उसी ने ही बताया, तो ये इसका बना, इसलिए इसको मालूम है, डरने की कोई बात नहीं है, ये CID नहीं है। मैंने कहा नहीं, CID नहीं है, लेकिन आपको इसलिए देखने आई है, तो आपको हम नई दुनिया में ले चलना चाहते हैं। सतयुग में तो राजाओं का राज रहेगा, फिर आपको भी चलना होगा। तो हंसती रही, मुस्कुराती रही, हाँ जरूर चलेंगे, ऐसे मतलब बातचीत करते। फिर तो वो थोड़ा टाइम मिलते हैं, फिर हम वापस आ गए। तो फॉरेन टूर में ये भी एक अनुभव अच्छा था। तो दादी आपने बताया कि जब आप तो बाबा से पहले मिले, हाँ, तो बाबा में आपको श्री कृष्ण दिखाई देते, हाँ, फिर यह आपको कब निश्चय हुआ कि बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता है? हाँ, ये फिर ऐसा हुआ, जो ज्ञान के बाद ना हम लोग कश्मीर गए थे जी। और बाबा की प्रकृति ऐसी थी, भले शादीशुदी लड़कियां भी होंगी, तभी बाबा जब हर साल पहाड़ पर घूमने जाता था, हर साल, कभी शिमला, कभी कहाँ, सब जगह साल साल। तो हम जब शिमला में गए थे बाबा के साथ, शिमला गए, तो शिमला में क्या हुआ, घूमते फिरते तो है जी, खेलते खाते रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, हम समझो ऐसे जैसे खाना पीना पिकनिक होती है ना, बैठे हैं बगीचे में, और बाबा समझो वहाँ से जल्दी जल्दी आ रहा है, और आ रहा है बाबा साकार में जी। अच्छा, उसी टाइम थोड़ी ज्ञान की चटक हमको भी थी, क्योंकि कश्मीर में गए सुना, तो ज्ञान में थोड़ा चटक में थे हम। दूर से देख रही है श्री कृष्ण आ रहा है, तो हम आँख में ऐसे ऐसे करने लगे, ये क्या हो रहा है, सपना है, बैठी हूँ तो ये कैसे हुआ। और बाबा जैसे अंदर आया, तो हम आगे नज़दीक आ गया, तो हम बड़ी ऐसे करके देखने लगे। तो बाबा बोलते हैं बच्ची क्या देखती हो? मैंने कहा तो पता नहीं बाबा, बाबा को देखती हो, आ तो आप रहे हो, लेकिन हमको श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। तो बाबा क्या किया, बैठ के हमारी गोद में आ गया, और गोद में आके अंगूठा चूसने लगा, अंगूठा ऐसे चूसने लगा। तो तुम समझ सकते हो, एक तो पहले ही हम दूर से देखती हूँ श्री कृष्ण आ रहा है, और फिर यहाँ लेट के जो अंगूठा चूसा इतना बड़ा बाबा, तो हमको जैसे छोटा लगे, और हम बाबा को ऐसे करें, प्यार करें। फिर बाबा बोलते हैं तो किसके साथ मिल रही हो? तो एक सेकंड समझो हम सोची, तो है तो बाबा, परंतु इसे अंगूठा चूस रहा है तो श्री कृष्ण है। तो मैंने कहा तो बाबा 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 है, बाबा को बाप को बेटी गोदी में बिठाती है। तो मैं चक्के, फिर बाबा को उठाने लगी, तो बाप को कैसे गोदी में बिठाऊंगी, उठाने लगी। तो जैसे उठाऊं तो फिर बाबा मेरे को छोटा कृष्ण दिखाई पड़े। उसी टाइम हमारे बुद्धि में जैसे बैठ गया, तो बाबा सो श्री कृष्ण है। उसी टाइम तो ब्रह्मा शब्द नहीं था ना, बाबा सो श्री कृष्ण है। तो हम बोलते थे कृष्ण से इंसान कभी भगवान होता है? फिर भी हम चुप रहे, इंसान भगवान कैसे होगा, लेकिन हम जो देख रही है। फिर इतने में सब तो फैमिली थी ना सारी, तो हमने माँ को कहा, तो देखो मैया ये क्या हो रहा है पता नहीं। तो वो बोलती है तो देखो तुम सियानी हो, बाबा अब तुम्हारा वो बाबा नहीं है, क्योंकि वो तो बाबा को पहले से ही श्री कृष्ण समझती थी, उसको साक्षात्कार पहले हुआ था। तो वो मेरे को कहती है बेटी तुम बाबा बाबा नहीं है, ये बाबा तुम्हारा वो बाबा नहीं है, अब इसमें भगवान आता है, तब तुमको कृष्ण का रूप दिखाई पड़ता है। तो मैंने कहा तो मैया इंसान भगवान कैसे बनेगा, उसने बोला ना।
इसमें भगवान आता है, इसलिए तुमको श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। तो मैंने कहा मैया इंसान कैसे भगवान होगा? तो कहती है भगवान होगा या नहीं होगा वो बात छोड़ो, लेकिन इसमें अभी भगवान आता है इसलिए तुमको श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। तो हमारी बुद्धि में वो बैठ गया। तो ठीक है, जब देखो उसकी युगल पत्नी कहे पति को भगवान, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमको कहे उसमें भगवान आता है तो तुमको कृष्ण दिखाई पड़ता है। और सबसे वंडरफुल बात ये थी, तो जब बाबा कभी कभी ऐसे श्री कृष्ण का रूप दिखाई पड़ता है तो वो पत्नी है ना उसकी, हम लोगों के सामने उठा के बाबा को गोद में बिठा के ऐसे मक्खन खिला देती, ऐसे मक्खन जैसे छोटे बच्चे को खिलाए। तो नेचुरल है ना, हम लोगों के ऊपर वो पड़ेगा ना, तो देखो माँ ऐसे करती है उसको छोटा देती, और बाबा भी ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे अंगूठा चूसने लग जाता था। बाबा का रूप वाइब्रेशन एकदम चेंज हो जाता था, तो हम लोग को ऐसे लगता था जैसे ये बाबा बाबा नहीं है, श्री कृष्ण है। फिर जब ठीक हो जाएगा तो बाबा दिखाई पड़ेगा। तो क्या हुआ, साक्षात्कार ही कहेंगे। तो फिर तब से हम लोग बोलते थे बाबा सो कृष्ण है। पीछे जब ये स्थापना हो, फिर हम लोगों के मुख से ज्ञान निकले। अब हम थी तो 22 साल की, लेकिन जो हमको मिले ना कहीं घूमने फिरने, हम उसको ज्ञान सुनाने लगे। तो एक बार तो कहीं घूमने गए थे, तो एक सेठियों का, बड़े बड़े व्यापारियों का झुंड जा रहा था। तो बाबा कहते थे जाओ जाओ बच्ची जाओ, ये सेठ लोग हैं सब, इसको जाके समझा के आओ। तो हम तो छोटे उसी टाइम में, हम लोग तो 20-22 साल का क्या होता है, हम दौड़ के गए उनको जाके पूछा आप कौन हो। तो जो कोई नाम बताए तो हम उसको बोले तो नहीं नहीं ये तो आपके शरीर का नाम है, मैं तो आपका नाम पूछती हूँ। तो वो लोग ऐसे गए ये छोटी सी लड़की क्या पूछ रही है, वही मेरा नाम है। उसी ग्रुप में हमारी संदेशी बहन है ना, उसका बाप रिजुमल, वो भी बड़ा व्यापारी था, कोलंबे में रहता था। ये वंडरफुल बात है, उसी ग्रुप में वो था। तो जब हम उसको बोले ना तो नहीं आप तो आत्मा हो, ज्योति स्वरूप हो, ऐसे देखते थे। फिर हम उनको बस संदेश देके मंत्र देके हम फिर भाग गई बाबा के पास। लेकिन ड्रामा ऐसा विचित्र, वो उस ग्रुप में जो संदेशी का बाप था उसका नाम था रिजुमल, तब वो ज्ञान में कोई नहीं था। वो जब कोलंबे में रहता था, वो जब कोलंबे में गया, उसको वो साक्षात्कार होता है सपना का, उसी टाइम तो सपना ही कहते थे। वो सपने में वो बगीचा, वो अपना पार्टी, और उसमें हमको देखता है, तो हम उसको निमंत्रण देके ज्ञान सुनाती हूँ, समझा? तो ये उसने समझो सपना देखा या क्या हुआ, उसने अचानक टेलीग्राम किया बाबा के पास, तो आप उस बच्ची को थोड़े दिन के लिए हमारे पास भेजो। अच्छा, हम लोग तो भट्टी में थे, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, उस टाइम में ज्ञान में थे। लेकिन उसने जब टेलीग्राम किया तो बाबा सोचने पर गया, हमको बोला बच्ची तुम्हारे लिए टेलीग्राम आया है और तुमको वो बुला रहा है। हम तो जानते पहचानते नहीं है, हम तो सेठियों के झुंड में निमंत्रण दे दिया, बच्ची जाओ। तो हमारा दिल थोड़ा छोटा मोटा होने लगा, तो हम कैसे जाएंगे बाबा को छोड़ के। तो बाबा कहता था बच्ची तुम्हारे जाने से सेवा होगी, पता है उसका भाग्य खुल जाए। ये बहुत वंडरफुल बात हुई, हमको बाबा ने कोलंबो भेजा। पहली बार समझो हम भट्टी से निकलती है बाहर। अच्छा, कोलंबो में जब गई तो उसने तो बगीचे में घूमते हमको दूसरे तरह से देखा था, लेकिन कोलंबो में हम गई तो ड्रेस व्रेस साड़ी फाड़ी पहन के गई, उसी टाइम फ्रॉक था। जब गई तो जब वो लेने आता है हमको तो आश्चर्य से देखता है ये कैसे आ गई। तो हमको अंदर से आता है तुमने टेलीग्राम करके हमको बुलाया है, और पूछता है ये कैसे आ गई। तो उसकी फैमिली उसके साथ थी,
युगल थी और वही संदेशी थी उसकी बच्चियाँ, तो उन्होंने उसको, उसका लड़का भी था, उसने कहा तो आपने तो टेलीग्राम कराया था, उसके लड़के को मालूम था, आपने तो टेलीग्राम कराया था इसको बुलाने के लिए दादा के पास, तो टेलीग्राम से तो ये आई है, आप क्या पूछ रहे हो ये कैसे आ गई। अच्छा, फिर उसी टाइम भी ये बात कर रही है और उसी टाइम भी उसको हमारा कुछ स्वरूप दिखाई पड़ता है, और जब वो हमको देखे ना तो वो बुढ़ा है, पोते दोते वाला, और हम 22-23 साल की छोटी सी, और हमको वो बोले मम्मी चलो ना खाना खाओ, मम्मी हमको चले जाए, हम कहे तो आप दादा ऐसे, उसको मैं दादा कहती थी, दादा मम्मी नहीं बोलो, कहता था हम तो तुमको मम्मी बोलेगा तुम मानो या ना मानो, तुम मेरी मम्मी हो, क्योंकि हमने जो देखा है ना, तो हमने देखा है तो तुमने हमारी माँ हो और तुमने हमारा जीवन बदल दिया, ठीक है छोड़ ही नहीं, हम जाएंगे वापस, जाने नहीं दे। अच्छा वहाँ रही तो ज्ञान तो सुनाएंगी, वहाँ ज्ञान सुनाती रही तो उसके परिवार में समझो उसकी लड़कियाँ, लड़का, बहू, जसू जो है संदेशी, संदेशी का बाप, ये सब वहाँ ज्ञान में आने, रोज मैं क्लास करा देती और ये सब ज्ञान में आने लगे। अच्छा ज्ञान में आने लगे तो ये भी एक विचित्र लीला थी, 3-4-5 महीना उसने हमको छोड़ा दिया, हम भी ज्ञान सुनाती रहती थी, रात दिन सेवा करती रही। फिर जब हम वापस आती है, समझो बाबा ने फिर हमको बुलाया चिट्ठी लेके, तो बच्ची बहुत दिन हो गया जाओ, मैं भी हैरान होती थी तो जाऊँ, तो बोलते हैं क्या दें इसको, क्या दें, क्या ले जाएंगे, कोलंबिया से फॉरेन से तो चीज़ें ला नहीं सकते हैं। उसने क्या किया, एक कागज लिख के हमको दे दिया, कहा ये जाके तुम बाबा को देना, अपने बाबा को देना, दादा को, उस टाइम दादा कहते थे। अब मेरे को क्या पता, मैंने ठीक है बंद करके दिया। हम जब ले आए तो बाबा मुस्कुराने लगा, कहा बच्ची तुमको मालूम है इसने क्या लिख के दिया है। मैंने कहा नहीं, तो बंद दिया है चिट्ठी, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा। तो हंसने लगा, कहा देखो बच्ची तुम थोड़ा दिनों से सेवा करके आई है, और उसने 16 बाजार में जो मकान है कराची में उसका, वो तेरे नाम पर विल करके तुमको कागज दिया है, और उसमें लिख दिया है तो जो कुछ पड़ा है जैसा है वो चाबी इसको मिल जाएंगी, और मैं उसको जो उसके मकान में रहते हैं उसके परिवार उसको मैं लिख दूंगा, बस तुम ये चिट्ठी लिखा देना। देखो बच्ची कोलंबे से तुम मकान ले आई हो, तो सोल्जर वर्ग का मकान का बहुत अच्छा था, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ लड़ाई झगड़ा मारा मारे तो उसी मकान में हम लोग को रहना पड़ा, थोड़ी पार्टी उस मकान में रहे, वो समझो विल करके उसने दिया, तो ये एक वंडरफुल बात हो गई ना। फिर तो हम मेरे ख्याल में 5-6 महीना रही और ज्ञान सुनाती रही ना, तो ये उसकी संदेश ही, ये सब परिवार ज्ञान में आने लगे, उसका लड़का ज्ञान में आने लगे। फिर हम आए तो हमारे को लेके भी आए, छोड़ने भी आए, और उसका लड़का आया जो मकान का कोई तो करेगा ना साइन वगैरह, उसने उसको भेजा तो इसके नाम से साइन कर दिया, तो ये उसी टाइम वंडरफुल भी थी सेवा का मेवा। दादी जी ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना गया है, और यह निश्चय आपको कैसे हुआ कि यही वो बाबा हैं जो नई सृष्टि, जिनके द्वारा नई सृष्टि की रचना होने वाली है, या यही वो प्रजापिता ब्रह्मा है, ये आपको निश्चय कब? तो जब हम ये साक्षात्कार करती है तो नेचुरल है, छोटा आयु तो हमारी छोटी थी ना, 22-23 की धीरे धीरे बढ़ती गई, तो हम बाबा बाबा कहती थी और साक्षात्कार होता था तो हम लोग सुनाते थे, समझो एक दो को सुनाते थे, जैसे समझो मनमोहिनी दीदी थी, तो वो ऐसे लौकिक में कुछ रिलेशन में थी, तो हम उसको भी ज्ञान सुनाती थी, छोटी तो थी, जो मिलेगा उसको ज्ञान सुनाएंगे, जो मिलेगा उसको ज्ञान सुनाएंगे। इससे क्या हुआ, जब हम कश्मीर से हैदराबाद में ये सब शुरू हुआ तो उसमें हम ज्ञान सुनाने लगी, तो प्योरिटी फर्स्ट ज्ञान में तो आता है 5 विकार छोड़ो, तो उसी टाइम में हम लोग छोटे थे, तो कभी कभी ऐसे झमेले घरों में होते थे, बहुत कोट कोट होता था,
उसी कोर्ट में केस में तो हम भी बीच में हुई, हमको भी घर में रोका गया, क्योंकि बाबा और उसके बिल्कुल दीवार से दीवार हमारा ससुराल था, तो ससुराल का चचेरा क्या होता है ना कुछ, तो हमारा लौकिक घर बहुत दूर था, लेकिन चाचा था वो क्या हमारी बड़ा भाई समझो, वो बाबा का दीवार के साथ दीवार था और वो ऊपर से देखते थे, तो बाबा ज्ञान सुनाता है उसमें, पांच विकार छोड़ो, ये रोज के इसके ज्ञान में चर्चा चलती थी, माताएं आती है, जो भी आते हैं वो घर में जाके कहते हैं हम ब्रह्मचारी रहेंगे ब्रह्मचारी रहेंगे, तो मैं भी वहाँ आती थी, तो कभी कभी तो मैं जल्दी सवेल भाग आती थी, कभी 10 बजे आती थी, तो दरवाजा दीवार एक थी, तो वो हमको एक बार बुला के गुस्से में कहते हैं, तो खबरदार जो तुम यहाँ आई हो ये ज्ञान सुनने के लिए, तुम 10-12 बजे भले आओ, माँ बाप के पास आने की मना नहीं है, लेकिन कथा सुनने के लिए तुमको बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि हम कथा सुनेंगी तो हम भी ब्रह्मचारी बन जाएंगे, पांच विकार हम भी छोड़ देंगी, तो सख्त मना किया, इतने तक समझो वो समझो एंटी पार्टी हो गई। मैं रुकी नहीं, जाती हूँ फिर भी सुबह को चली जाती हूँ, गाड़ी नहीं आती है बाबा की रोक लेते हैं, तो मैं कैसे भी गो, एक बार तो बैलगाड़ी में चढ़ के चली गई भाग गई, हाँ एक बार क्या हुआ ये वंडरफुल हुई, तो बाबा की गाड़ी आती थी लेने हमको, तो हम बोलते थे हम सुबह को सवेल आएंगे, तो एक दिन इन्होंने क्या किया, वो गाड़ी गुम माना मेरे को बताई भी नहीं और उस ड्राइवर को वापस कर दिया, और ड्राइवर था मुसलमान बहुत अच्छा था, वो हमको कार में ज्ञान सुनाता था बाबा का, कहते ना देखो तुम्हारा बाबा ऐसा है, बाबा कैसा ज्ञान सुनाते हैं, खुदा है खुदा दोस्त है, तो हम उसको बोलती थी तो तुमको अच्छा लगता है, कहते हाँ अच्छा, तुम भी रोज सीखो, तुम बोलेंगे मैं सुबह को तवे लेने आएगा, मैं कहती थी लेने आओ, तो एक बार क्या किया, गाड़ी आई तो वो बहुत दूर था घर हमारा बाबा के घर से, वो ताऊ ससुर था वो अपना घर दूर था बहुत, तो गाड़ी इन्होंने वापस कर दी, जाने नहीं दिया, और हमको फिर जाने की लगन लगी थी, तो जैसे हम बाहर निकली तो गाड़ी है नहीं, उन्होंने कहा खबरदार गई हो, बिल्कुल जाना नहीं है तुमको सुबह को ज्ञान सुनने के लिए, न सुबह को जाना है और शाम को, बस दिन को खाना खा के वापस, रोज जाने का तो नियम है खाना वहीं खाना एक टाइम जरूर। मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगी, तो उसको उस टाइम बहुत माताएं कन्याएं कुछ ऐसे हुआ था, बांदेली दीदी चली गई थी, दीदी के घर झगड़ा था, बहुतों का झगड़ा झमेला चालू था, तो उसने हमको गुस्से में कहा खबरदार जी गई हो टांग तोड़ देंगे, तो मैंने टांग ऐसे करके बोला तोड़ के दिखाओ, ससुर मुखी था ना सिंध का बड़ा, तो वो जो चाहे सो करे, नहीं भी आने दे, जो भी बड़ा जैसे होता है, तो मुखिया को सबको बंद, दीदी को बंधन, सब बहुतों को माताएं वगैरह बंद बंद होने लगी, तो जब हमको गुस्से में कहा खबर लागे गई और टांग तोड़ देंगे, मैंने कहा टांग तोड़ के दिखाओ, मैं तो अपने बाप के घर जाती हूँ, मेरे बाप ने इसलिए दिया है तुम लोगों को हमारे को, तो तुम हमारी टांग तोड़ो, बाप के पास जाने नहीं दो, तो वो बोलता है तो बाप के घर जाने की मैं मना नहीं करता हूँ, भले जाओ हम तुमको गाड़ी में भेजेंगा, लेकिन तुमको 6 बजे सुबह को जो गाड़ी लेनी आती है उसमें तुमको जाके सत्संग में सुनना है, सत्संग में जाना मन नहीं, तो हम एक सेकंड बड़ा है ससुर है, हमने बोल उसी टाइम तो पर्दा बर्दा रखता था, तो हम उसको कुछ नहीं बोला, समझा, उस सामने गुस्सा चलाया हमको, लेकिन हमारी सास भी तो बैठी थी ना, वो बेचारी चुप करके सुनती रही, तो ये बहु सास बहु ससुर का झमेला, तो हमने उसको कहा तो देखो बाप के घर जाने की आपको छुट्टी है, लेकिन आप टांग तोड़ेंगे तो क्या होगा, तोड़ के दिखाओ हम जरूर जाएंगे, तो क्या किया उसने गाड़ी एक दिन हटा दी, जाने गुस्से में था ना बोल दिया, अब गाड़ी हट गई, सुबह का टाइम है तैयार होके गेट पर खड़ी हो गई, गाड़ी है नहीं, कोई बच्चे ने हमको कान में बता दिया तो दादा ने गाड़ी वापस कर दी, तुम्हारे बाबा की गाड़ी वापस चली गई, छोटा बच्चा था किसने हमको बता दिया, हम अंदर समझ गई, लेकिन जिद
जवानी का जोश होता है ना, तो हम कहा हम पैदल जाएंगे। तो बोलते हैं अच्छा जाके दिखाओ पैदल। हमारा जेठ था माना उसका बड़ा भाई, कहा पैदल जाके दिखाओ, देखूँ कितनी तुम्हारे को ताकत है जो तुम पैदल जाओ। पैदल का रास्ता जाऊँ तो एक डेढ़ घंटा लगे, बहुत दूर था ना, जाके दिखाओ। तो सच मुच मैंने क्या किया, हम निकल गए घर से बाहर। और इतनी तो होशियार थी नहीं, जो ताकत नहीं थी जो इतना डेढ़ घंटा पैदल करके जाऊँ। तो जब थोड़ा आगे गई तो बहुत थक गई, चला नहीं जाए, गाड़ी है नहीं और दूसरे किसी के गाड़ी में बैठ नहीं सकती क्योंकि जेवर वेवर पड़े रहते थे। बैलगाड़ी वाला जा रहा था तो मैंने उसको एक खड़ा करके, तो वो बेचारा डर गया क्योंकि हीरे जमा सब पर है, ड्रेस ब्रेस तो संसार वाली थी ना, वो बेचारा डर गया। मैंने क्या किया, उसको खड़ा करके उसके ऊपर बैठ गई। बैलगाड़ी होती है ना सीधी, उसका पीछे से जाके उसके ऊपर बैठ, मैंने कहा चलो चलो तुम थोड़ा आगे चलो ना फिर मैं उतर जाएंगी। वो बेचारा डर गया। और बैलगाड़ी वाला और ज्वेलरी पड़ी हुई इतनी लड़की को कैसे ले जाए, कोई समझेगा इसको भगा के ले जाता है। मैंने कहा तुम डरो नहीं, जब बच जा रहेंगी ना तो मैं उतर जाएंगी। रास्ता बहुत खुला रहता था, बेचारा चलाता भी रहे डरता भी रहे और हम चुप करके ऊपर अंदर बैठ गए। जाना हमको जरूर है, कथा सुनने जाना है। फिर जब थोड़ा आगे जाके समझो बाजार के गली के आगे आए, बाजार के नज़दीक आए, तो मैं उतर गई। फिर मैंने कहा तुमको कितना पैसा दूँ, हाथ जोड़ के कहते तुम पैसा क्या देंगी, तुम तो हमारी गाड़ी में आई हो, ये मेरा भाग्य है बड़ा, लेकिन किसको बोलेंगी, तो हमको तो डर लगता है कोई कहेगा तुम इसको भगा के ले जाते हैं, माफ़ करना कि तुम जाओ जैसे भी जाओ। मैंने कहा ठीक है तुम फिक्र मत करो। फिर उसको खर्ची देखी जबरदस्ती और मैं बस फिर थोड़ा रास्ता था बाकी गली में जाने का बाबा के पास गई। तो सब सोचने लगे ये कहाँ से आ गई, मेरे को माँ तो थी ना, मम्मी ने कहा तो तुम गाड़ी तो तुम्हारी वापस आ गई, ड्राइवर ने कहा आज बोलते नहीं आएंगी तो तुम कैसे आ गई घर की गाड़ी में। मैंने कहा नहीं, घर वालों ने भी गाड़ी नहीं दी। हंसती रही, सच बताओ माँ, भाई सब बैठे हैं समझो नाश्ते पर बैठे हैं, बोलती है सच बताओ तुम कैसे आई। उनको कुछ कुछ ऐसा मिल गया रिपोर्ट तो मैं कैसे आई हूँ, बोलती है सच बताओ। बाबा हंसता रहा, कहा बच्ची तुम के पैदल आई, पैदल करने की तो तुमको ताकत ही नहीं है, मिचनो पैदल कैसे आई होंगी। मैंने कहा पैदल नहीं आई, बताओ घोड़ेगाड़ी में आई जानबूझ के। मैंने कहा नहीं घोड़ेगाड़ी में नहीं आई, सच बताओ। मैंने कहा बैलगाड़ी में। हंसे बाबा इतना हंसे, तू बैलगाड़ी में चल के आ गई, उसने तुमको कैसे बिठाया, डर नहीं लगा उसको। मैंने कहा बाबा वो बेचारा बहुत डरता था, लेकिन हम इतना दूर पैदल कैसे करेंगी, तो हम पीछे से उसके गाड़ी में बैठ गई और उसको बोला तुम डरो नहीं, हम जब शहर आएंगा ना मैं उतर जाऊंगी। कहा बच्ची ऐसे होगा, ये पापा के मुख से निकल गया। तो बच्ची ये कंस और कृष्ण का ड्रामा चल रहा है, कंस और कृष्ण का नाटक चल रहा है, नाटक चल रहा है। मैंने कहा हाँ बाबा सच्ची बात है, ठीक बात है, क्योंकि मैंने तो बाबा को कृष्ण ने देखा था ना, तो कृष्ण हुआ ये और कंस ने हमको रोक दिया, वो गाड़ी में आने नहीं देता है, बाबा के मुख से निकल गया। तो कंस और कृष्ण का ये खेल चल रहा है, तो तुम बैलगाड़ी में बैठ गए। मैंने कहा एक दिन नहीं आती तो क्या होगा। मैंने कहा नहीं, आप रोज कहते हो क्या नम्रत, रोज पीना है जीना है तब खाना है, तो मैं कैसे रह जाऊंगी बाबा, मैं तो चली आई, अब मैं बिल्कुल नहीं जाएंगी वापस। दादी ऐसे तो बाबा आपके लौकिक पिता भी थे, हाँ, और आपको कृष्ण भी दिखाई दिया, हाँ, लेकिन बाबा तो सबके प्रिय थे, सबको ऐसे महसूस होता था कि बाबा मेरे बाबा हैं, हाँ, ऐसी क्या विशेषता थी बाबा में? बाबा में ये विशेषता थी, तो जैसे फर्ज करो हम फैमिली, उसी टाइम तो फैमिली में रहते थे ना, तो बाबा समझो हम बच्चों को प्यार करें फैमिली को, और तुम आओ ये आए वो मेहमान समझे, अच्छा आओ क्लास हुआ जाओ। बाबा एकदम नहीं ऐसे करता था, तुम आएगा ये आएगा कोई भी जाति पाति का आएगा, बच्चे मुरली सुन लिया, हाँ तो लिख लाना है, ऐसे नहीं जाना।
तो जब बाबा समझो कोई भी हो, पाकिस्तान में तो मुसलमान भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, ड्राइवर ही अपना मुसलमान था, मुसलमान ड्राइवर को बाबा ने हमेशा कैसे बुलाया, बेटा गाड़ी ले आना टाइम पर। मुसलमान ड्राइवर, वो ज्वेलर, बेटा तो क्या भावना रहेगी। देखो इतना पाकिस्तान हिंदुस्तान का झमेला हुआ, तो सब भागते आए तो बंगला लेना पड़े। तो बाबा हमको बुला के कहना, बच्ची जाएंगी अल्लाह बख्श के पास, बंगला ले आएंगी। तो हम बोलते थे हाँ, पड़ा है फ्राक, बाल खुले है, छोटी सी बेबी लगती है, बंगला ले आएंगी, ये कहाँ रहेंगी सब लोग। तो हम कभी नहीं पूछते थे बाबा से, बाबा बंगला कैसे मिलेगा, क्या बोले क्या। हाँ बाबा जाएंगे ले आएंगे, ऐसे समझो। तो बाबा में हम क्यों कहती थी बाबा में भगवान है, बाबा के मुख से जो निकलेगा ना वो प्रैक्टिकल होगा। और बाबा की भाषा ही ऐसी थी, जाओ अल्लाह बख्शी के पास, देखो ना फलाना मकान है ना, ये बहुत बड़ा है, उससे उसकी चाबी ले आओ। ऐसे नहीं पूछो मकान मिल सकता है कि नहीं, जाओ बच्ची अल्लाह बख्शी के पास जाओ, उससे चाबी लेके आओ, उसको थोड़ा ज्ञान सुना के आना। ठीक है, अब हम ड्रेस चेंज हो गई, क्योंकि देवान मैं माता हूँ, बुढ़िया बुढ़िया बड़ी बड़ी एकदम मोटी मोटी सब फ्रॉक पहनने लगी, चेंज हो गया। देवान जरा भी न रहे, उसके लिए बाबा हम लोगों का वेश बदल कर दिया। और 14 साल मैं समझती हूँ हम लोगों ने चोटी नहीं लिया होगा बाल को ले। तो बाबा उसी टाइम कहता था, बच्ची तुम लोग शक्तियाँ और तुम अपने शक्ति स्वरूप से जाएंगी ना अल्लाह बख्श के पास, वो जरूर तुमको जाके देगा। अच्छा दूर है उसका तो बंगला, गाड़ी चलाना, हम तो छोटे छोटे आ गए, फिर हम ड्राइवर चलाता था ना, वो मुसलमान था, सब हिंदू ड्राइवर भाग गए। हम ऐसे तेरी आंख से देखती थी कैसे चलाता है, फिर बोलती थी उठो ना हम चलाएं, तो बेचारा खुशी से बिठाता था, तो साथ गाड़ी कोई तो चलेगा तो वो दे देता था बाजू में बैठ के, तो गाड़ी चलाना सीखे। फिर बहुत पार्टियाँ हो गई तो बस चलाना सीख गए। अच्छा फिर जब बंगला चाहिए अल्लाह बख्श के पास जाओ बच्ची, तुम ज्ञान समझा के, लेकिन तुम उसी दृष्टि से देखना, खुदा दोस्त के भाव से देखेंगी ना तो जरूर तुमको मदद। हाँ बोलो बेबी कैसे आना हुआ, हमको मकान चाहिए, बड़ा बड़ा मकान चाहिए, हमारे पास ना इतनी पार्टी आई है और वो रहेंगी कहाँ, हमारा तो घर में रह नहीं सकती है, बच्चे अलग रहेंगे, हम तो सुबह को खुदा को याद करने बैठते हैं तो आवाज़ भी नहीं चाहिए, हमको बड़ा बड़ा मकान चाहिए। तो मुस्कुराता था, कुछ कानून तो सिखाएगा नहीं हमको, छोटी बेबी है, मुस्कराता था, कहता था अच्छा बच्ची देखेंगे देखेंगे, पूछता हूँ मैं, देखेंगे देखेंगे नहीं पूछता नहीं, हमको चाबी चाहिए। सेक्रेटरी को बुलाएगा, भाई देखो ये बेबी क्या बोलती है, चाबी चाहिए। तो बोलता है, तो एक दिन बोलता है, जब मैं बोलती हूँ अभी चाहिए, तो सेक्रेटरी को बुला के बोल भी रहा है, और फिर बोलता है बेबी तुम तो ऐसे मांगती हो जैसे कोई खिलौना है, मकान कोई खिलौना है। अरे बोला है इसको देखेगा, एक दो दिन ठहर जाओ, देखेगा होगा तो तुमको देंगे। तो हमने कहा तो नहीं नहीं हमको चाबी अभी ले जानी है, हम खाली हाथ नहीं जाएंगी, आप अल्लाह बख्शो, खुदा ने आपको पूरी बख्शिश दे दी है, आपका नाम कैसा है, अल्लाह बख्शवाना, खुदा ने तेरे को बख्शिश दी हुई है, मकान सब तेरे हाथ में है। कहते खिलौना है, मैंने आपके लिए तो खिलौना ही है, हमको चाबी चाहिए, ऐसे वापस नहीं जाएंगी, हमारी मम्मा बोलेंगी तो हाथ खाली आ गए, मैं हाथ खाली नहीं जाएंगी, चल जाओ उसको ले जाओ, देखो पसंद है। फिर वो इशारा देता था फलाने जगह ले जाना इसको, देखो इसको तुम बेबी तुमको पसंद आए ना
फिर हमको बताना, मैं बोलती थी आपको बताएंगी जरूर, पर चाबी उनसे ले लेंगे, चाहे उसको बोल दियो चाबी हमको देगा, अच्छा लगेगा। तो मैं गाड़ी में लेके उसको जाती थी, वो सोचता था इतनी छोटी गाड़ी भी खुद चलाती है, कोई साथ भी नहीं है, दो बहनें जाती थी। अच्छा वो मकान इतना बड़ा बड़ा, 14 कमरा 12 कमरा 16 कमरा का मकान दिखा दिया उसने, इतना बड़ा मकान क्या करेंगे, चाबी दियो ना, तुमको अल्लाह बख्श ने कहा ना तो अच्छा मकान दिखाना, ये हमको पसंद है, ठीक है एकदम अच्छा है। अब सेक्रेटरी हमको चाबी कैसे देगा, उसको बोलती थी बैठो गाड़ी में चलो, अल्लाह बख्श पा जैसे मकान ठीक है हमको पसंद है, चाबी दीजिए। उसी टाइम उससे हाथ से चाबी लेंगे मकान की और फिर छुट्टी लेंगे उसको, फिर उसको बोलते, फिर बोलता था अच्छा फिर कभी आती हो ना तो पूछ के आओ, पूछ के आओ, तो भाई हम आती है हमको फलाना काम है, पूछ के आओ तो मैं सोचूं। तो हम हंस के कहती थी तो आपसे क्या पूछेंगे, हम तो आपके बच्चे जैसे हैं, क्योंकि हम तो छोटी फ्रॉक पड़ा है, हम तो आपके बच्चे जैसे हैं, हम बाबा के पास जाते हैं तो थोड़ी पूछ के जाते हैं, हमको जब जरूरत पड़ेगी हम आएंगे, आप बोल देना सेक्रेटरी को, हम कभी हमको ना नहीं बोलेगा। वो सब उसके हंसते थे तो ये तो इनसे सलटना, वो बोल देता था इनसे सलटना मुश्किल है, ये अपना काम करते हैं, चाबी हाथ में लेंगी तब बन जाएंगे, और तुरंत मस्त मकान ले लेते थे। ऐसे करते करते मेरे ख्याल में कितने मकान लिए होंगे उनसे, पर थे बहुत अच्छे, प्यार से चलते थे। पर बाबा टोली बोली तो आपको पता है हमको सभी को आदत शुरू से ही है। इस तरह से पाकिस्तान में 14 साल रहे, आते जाते और खेलते खाते। फिर भारत में किस प्रकार आना हुआ? अच्छा फिर क्या हुआ, इन्हों का स्नेह तो हो गया ना, अल्लाह बख्श था, भुट्टो गवर्नर था, इन्हों का स्नेह रहता था, और हम लोग घूमने जरूर जाएंगे वॉकिंग पर, कई बार बोलते थे आज बहुत झगड़ा है ये वो, हम कहते थे झगड़ा हो झमेला आप ड्यूटी देना पहला देना सीआईडी रखना, हम घूमने जरूर जाएंगे, हम जैसे समझो हम ही खुदा थे मालिक थे, घूमने जाएंगे बेचारा सीआईडी बेचारा। फिर क्या हुआ, वहाँ बहुत झमेले होने लगे ना, और फिर दूसरी बात तो भारतवासी जैसे बॉम्बे वगैरह वाले बुलाने लगे, तो भाई यहाँ होना चाहिए, वो तो पाकिस्तान है वहाँ कितना तुम सर्विस कर सकते हैं। और बाबा को भी प्रेरणा ऐसे आई, तो शहरों में तो बहुत रहे, अभी हम लोगों को भी एकदम एकांत में कहीं पहाड़ पर रहना चाहिए। अच्छा रहना चाहिए तो पहाड़ किस पहाड़ पर रहें, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा हम लोग इधर उधर पूछताछ किया, और हम आते जाते थे थोड़ा बहने, कब बॉम्बे कभी इधर कब उधर, फिर बाबा को प्रेरणा आई ना एकांत में रहे, एकांत में रहे, तो बस एकांत के पहाड़ पर आने लगे आ गए। ये भी पहले तो छोटा था वो ब्रज कोठी, अच्छा ये भी गवर्नमेंट से ही लिया, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान था ना उसी टाइम में, मकान हमको क्या पता। फिर हमको उन्होंने ही मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरे को याद है उन्होंने ही हम लोगों को राय दिया, तो आप लोग कोई ऐसी जगह पर जाओ जहाँ झगड़ा झमेला ना हो एकांत में। तो माउंट अबू में ये मकान था पहला पहला ब्रज कोठी पहले वो लिया, वो भी ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट के कनेक्शन से मिला। तो लेकिन आए कैसे, इतने 200-300 है कैसे आएंगे, फिर हम लोग को कनेक्शन तो था ना गवर्नमेंट से, तो हम लोगों ने कहा देखो हम लोग बाजार का खाते नहीं है, और हम लोग कुछ ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन में तो दूसरे अज्ञानी बैठे रहेंगे, हमको पूरी ट्रेन चाहिए, तो बुक कर दियो हम ट्रेन में जाएंगे, और फिर हमको 2-3 दिन तो लगेगा ना कराची से आने में, तो हम उसको ड्राइवर को बोल देना, तो कहीं रास्ते अच्छे में खड़ी करेंगे तो हम लोग वहाँ खाना बना के खाएंगे, ठीक है। फिर तो मेरे ख्याल में पूरी ट्रेन हम लोगों की है वो होंगा हिस्ट्री में, तो खाना पीना फिर जब समझो देखते थे ना अच्छा बगीचा है जंगल है अच्छा झमेला नहीं है खेती बाड़ी ठीक है, वो जंजीर खींच लिया, ट्रेन खड़ी होके इंजन वाला पूछेगा क्या बात हो गई,
देखो ना ये कितनी अच्छी खेती है, ट्रेन खड़ी करो हम यहाँ खाना खा के किसी ट्रेन में चले। तो बेचारा सोचता था तो ऐसे नई स्टेशन है और ऐसे कैसे हम ट्रेन खड़ी कर देंगे, फिर कोई गाड़ी आएंगी तो देखा जाएगा हम लोग बैठे हैं ना, तुम ट्रेन खड़ी करो यहाँ। बस बेचारा क्या करे, ड्राइवर भी कुछ नहीं कर सकता है, खिलाते थे पिलाते थे जो हमारे साथ में रहेंगे ना जितने भी ट्रेन में गार्ड फाड सबको हम लोग खाना, बाजार का नहीं खाओ हम लोग के साथ खाओ, तो नेचुरल है ना अन्न का मन पर असर पड़ेगा। ट्रेन समझो खड़ी कर दिया जंगल में, उतरे वहाँ खाना बनाया खाया आराम से खेले खाए उन लोगों को भी खिलाया फिर ट्रेन में बैठे चले। इस तरह से मेरे ख्याल में पूरी ट्रेन अपनी थी उसी टाइम में, और कोई नहीं था। ऐसे आ गए अबू, पहले अबू में ही आए उस बंगले में रहे, फिर तो रहते रहते धीरे धीरे ये तो बनता गया। उसी टाइम से समझो हम गई नहीं वापस, मामा के साथ ही रहे, मम्मा मामा के साथ ही रहती थी। और ये कार्यक्रम में भी तो बाबा हम लोगों को रखता था ना, हम दो तीन बहनें थी, कहीं जाना है कार लेनी है तो भी हम लोग जाएंगे, कार ले आना है बस ले आना है, ये खरीद करके आओ खरीद करके आओ, सब बहनें करती थी। इसलिए बाबा उस टाइम कहते थे चक्तियाँ जाएंगी तो सब हो जाएगा, पांडवों को मत ले जाना। और टाइम भी ऐसा था उतार के मार देते थे, परंतु हमारे साथ पांडव तो थे ना, लेकिन गाड़ी हम चलाती है समझो, तुम बैठे हो तो तुमको तो कुछ नहीं बोलेंगे ना हम, अगर खड़ी भी कुछ करेंगे ना ये करेंगे हम बोलेंगे चुप हमारा भाई है, उसको पुलिस वाले को कहेंगे हट हम गाड़ी चला के। क्यों उसी टाइम बाबा, अभी तो ज्ञान बहुत सिंपल मीठा हो गया, उसी टाइम बाबा के महावाक्य निकलते थे तुम शक्तियां हो, तुम्हारे शक्ति से वाइब्रेशन से सारा काम ठीक होता है, बच्ची तुम जहाँ भी जाती हो तो तुम सबसे पहले दृष्टि दियो और दृष्टि से सृष्टि बनती, पास होके आना शब्द जाओ फलानी चीज चाहिए पास होके आना। बस से गाड़ियाँ कैसे खरीद करते थे, कैसे जाएंगे घूमने, बच्ची एक बस ले आओ ना जाएंगे कहाँ खाने में, ये बस अच्छी है ये बस हमको चाहिए, दाम क्या है, पहले तो ज्ञान सुनाएंगे उसको हमको, हम खुदा दोस्त है खुदा के पास जाते हैं ये वो, तुम भी खुदा का बच्चा है ये वो, ज्ञान तो ना कि हम खुदा दोस्त के साथ घूमने जाते हैं उसके लिए हमको गाड़ी चाहिए, बोलो कितना देंगे। तो फ्राक बेबी को पर उसको बेबी को क्या बेचारा बोले, जो आप देंगे इसका इतना है समझो, 15,000 की गाड़ी है, 15,000 इसका दाम है, फिर जो आप दिए। तो हम फिर बाबा को बोलते थे बाबा ये गाड़ी है अच्छी है 15,000 में मिलती है, हाँ बच्ची ले लो 15,000 को सही ठीक दाम बताया तुम 16,000 उसको दे के। तो वो बेचारे को हम 15 बोलते हैं 16 देती है गाड़ी, तो खुशी से देगा और ठीक देगा, कुछ भी हो हमको बताना हम ठीक करके देंगे। फिर वो बेचारे हम लोग को जैसे आश्रम में खर्ची करके देते थे, और फिर जब भी हमारे को कुछ नीचे ऊपर हुआ चले जाए, स्ट्राइक है हम खड़ी हो गई हमारे को घूमने जाना है, कोई नहीं कोई कोई मत नहीं होती थी जो हमको बोले स्ट्राइक है तुम घूमने कैसे जाएंगे, तुम ड्यूटी दियो हम घूम के आएंगे फिर तुमको बताएंगे, फिर बंद कर देना। ऐसे समझो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के संबंध से सारे पाकिस्तान में टाइम पास चलाना सब हम लड़कियों को पड़ता था, राम चोरी बाल खुला बस चलाओ गाड़ी चलाओ ये चलाओ बैलगाड़ी भी चलाओ। अरे यहाँ माउंट में आने के बाद हमने सुना है कि यज्ञ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि खाने को नहीं था, जिसको बेगरी पार्ट के नाम से पुकारते हैं यहाँ। ये क्या हुआ, हम जब समझो पाकिस्तान कराची में रहे तब तो ये सब साधन साधन थे सब, और उसी टाइम में हम लोग कुछ लेते नहीं है भाई, कोई जिज्ञासु आए तो कुछ दे के जाए, हम सारे जितने परिवार समर्पण हो गए। तो 14 साल जो रही पाकिस्तान में तो उसी समर्पण से जो तन मन धन आया वही काम में आया, तो इतना समझो
हम लेते कुछ भी नहीं है किसी से, मित्र संबंधियों से भी कर्जी नहीं लेते हैं, बहुत पक्का था कुछ भी लेना नहीं है। जब लेना नहीं है तो जो घर में है उसमें से खाना है। अच्छा, उसमें से खाते खाते कितना बोलते हैं ना, तो भाई खाते कुएं भी खुट जाते हैं। तो वही हुआ, खाते रहे, आराम से रहे, गाड़ियाँ बसें सब चलती रही, अंत में ये हुआ जो भाई अब आज राशन है नहीं। मुरली में बाबा के कहेंगा, बाबा को भंडारे वाले बोल देती थी, बाबा आज ये नहीं है वो नहीं है। मुरली सुनाते, बच्चे तुम तो योगी राजो फरिश्ते हो, फरिश्ते थोड़ी कुछ खाते हैं, फरिश्ते तो हवा में चलते हैं। ऐसी ऐसी मुरली चलेंगी, तो जब मुरली ऐसी चलेंगी तो हम समझ जाते थे आज मेरी कुछ है। क्लास पूरा होगा, हाँ, फिर भंडारे वाली आके बाबा को बोलेंगी, चूं चूं करेंगी, तो बाबा बोलेगा हाँ अच्छा बच्चे आज क्या खाएंगे, आज तो आटा है नहीं, फिर क्या खाएंगे। हम बोलते थे बाबा अभी तो हम घूमने चलेंगे ना, तो वहाँ से पेट भर जाएंगे, फिर आटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा मुस्कुराता था, घूमने तो जरूर जाएंगे, घूमने गए, घूमने जाते थे तो ऐसे बगीचे में जाते थे जहाँ फल फल फूल फ्रूट व्रूट हो गए, बस तोड़ तोड़ के कुछ न कुछ खा लिया, तोड़ के खा लिया, और फिर थोड़ा भर के ले आते थे घर में, जो घर में बुढ़िया है भंडारे वाली है जो घूमने नहीं गए उसके लिए फिर हम थैला भर के ले आएंगे, घर में आएंगे और उसको बांट के खिलाएंगे, ये तुम्हारे लिए खाना ले आए। माँ बाप भी समझ देगा, मम्मा आज देखो भंडारे वाली क्या बोलती है, आज राशन नहीं है, बच्चे क्या खाएंगे, इधर आओ बच्ची आज राशन नहीं है फिर क्या करेंगे। क्योंकि हमारी ड्यूटी ऐसी कुछ थी, ड्राइवर भी थी तो सब करना पड़ता था, बच्ची क्या करेंगे। हम बोलते थे बाबा कोई बात नहीं, हम लोग का पेट भरा हुआ है, हम बगीचे से ना खूब खा के आए हैं और बुढ़ी माताओं के लिए ले भी आए हैं, भूख नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा, व्रत है। बाबा मुस्कुराने लगा, ठीक है, चक्कर लगा के आएगा बना लेते, फिर आके बोलेगा मम्मा देखो ये बेघर प्रिंस बन जाएंगे, मना कितना पैसा नहीं है जो खाना खा सके, और फिर बोलते हैं तो हम सतयुग में महाराजा महारानी बनेंगे, तुम सतयुग महाराजा महारानी बनेंगे। हम बोलते थे हाँ, तो बाबा उसी टाइम कहता था मम्मा बेघर प्रिंस है, अभी खाने की नहीं, अब सतयुग में महाराजा महारानी। और सचमुच ये वंडरफुल बात थी, तुम फल बगीचे से तोड़ के खाया, तो सारा दिन हमको भूख तो लगनी चाहिए ना, इतना काम करते, सब काम करते थे, क्योंकि नौकर चाकर तो थोड़े सब हाथ से करना पड़े, भूख तो लगनी चाहिए, लेकिन एकदम हम लोग को वो दो फल जो खा के आया वो रात तक हम लोगों को भूख नहीं लगती, रात को भी कुछ नहीं खाएंगे तो भूख नहीं लगेगी, पेट भरा हुआ। परंतु मम्मा बाबा तो मम्मा बाबा ही है, बीच बीच में बाबा बोलेगा बच्ची सच बताओ इतना काम करके आई हो, तुमको भूख नहीं लगी है। नहीं बाबा बिल्कुल नहीं लगी है, एकदम पेट भरा हुआ है। मुस्कुराएगा फिर तो कुछ टोली खिला देगा, इतनी टोली खिलाएगा तो हम कहें। और सच बच उसी टाइम का पता नहीं ऐसा कुछ विचित्र था जो दो फल से सारा दिन हमको भूख नहीं लगी, पेट भरा है। इसी कारण से फिर कर्तव्य करना सीखा, खरीदारी। अब हम बताती हूँ ना भाई, हमको बाबा ने एक दिन क्या हुआ ये कैसे सीखती, पहले तो लौकिक में तो कुछ नहीं जानती थी ना, लौकिक में तो प्रिंस थे कुछ नहीं जानते थे। बाबा क्लास से उतरा ना, क्लास करके जा रहा था तो जैसे चंपल पहना तो बाबा का चंपल टूट गया, और हम सामने खड़े थे क्यों गाड़ी हमको ही ले जाना है, बाबा को छोड़ने जाना है, चंपल टूट गया, बाबा ने ऐसे उठा, मम्मा चंपल टूट गया कोई अर्जा नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, बाबा को बिठाया कुर्सी पर, बैठो बाबा देखो मैं आपको एक मिनट में बना के लाएंगे। अरे बच्ची चंपल तुम कैसे बनाएंगे, एकदम टूट गया है कैसे बनेगा, हम बाबा बना के लाते हैं। ऐसे करके बाबा के पैर से उतार के बाबा को ऑफिस में बिठा दिया, और चंपल लेके हम
जो हमारा फैंसी सामान कहा था ना ऑफिस से, जैसे तुम लोग की है भी ऐसी थी, और उधर से क्या किया अब ये साइड वाला ऐसे निकाल के, हाँ और ये साइड हो ना, ये समझो यहाँ से टूटा, इसको निकाल के फिर इसको अंदर डाल के पतली पतली दो कील लगाई तो फिर पहना, ठीक हो गया चप्पल ठीक हो गया, और दौड़ दौड़ के ले गई, कहा मामा पहनो देखो पहनो देखो, पहन के देखा मम्मा ये तो बहुत अच्छा बना के लाई, कहाँ से बना के आई, कहा हमने बनाया, तो मोची का भी काम सीख गई। मैंने कहा हाँ बाबा अभी आप छुट्टी दियो तो हम आपके लिए फर्स्ट क्लास नया चंपल बनाएंगे। मुस्कुराए, कहा बाजार से तो बंद है कुछ मिलता नहीं है, और 300 इकट्ठे रहते हैं जी तो टूटते फूटते रहेंगे, बस खोपड़ी में आया पैसा लिया और बाजार गई सारा सामान लिया है, ले कैसे हमको क्या पता क्या लगेगा। तो बाबा का ही चंपल उठा के बाबा को नया देखेगा और सारा ही खोला, खोल के नोट करते गए ये कैसे खोला, कहाँ से टाके कहाँ से कील कहाँ से ये सब खोले, और उसको देख के वही सामान खरीद के आए, सामान खरीद के आए फिर क्या किया बनाते, तो बाबा कहेगा ये तो ये क्या कर रही है, और सब काम पूरा हो भी जूता बनाना सीखी, दरवाजा बंद करके अपने ऑफिस का और खोल के फिर बिल्कुल देख देख के ऐसे ऐसे काट काट के दो तीन महीने थी हम लोग बनाया, तो से देख तुम बना के देखा बहुत अच्छा बन गया। फिर दूसरे दिन बाबा मुरली सुना के जब आके ऑफिस में बैठा था, तो बाबा ऐसे टांग टांग कर तो ऐसे बैठा ना, तो हमने पीछे खड़े खड़े चंपल बाबा का खिसका के ले गए, एक 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 हुआ ऐसे ना ऐसा कर, तो एक पादर उठा के गुम कर दिया, चंपल कहाँ चला गया, तो हम लोगों ने एक नया रख दिया, तो कहा नहीं बची मेरा कहाँ गया, हमने कहा बाबा वो चला गया और ये नया आ गया, देखो ये ठीक है बहुत अच्छा फसा है, तो ये तुम बखमल जैसा चंपल नरम नरम बहुत अच्छा है, आया गया आया गया। तो बच्ची कितने का लाया, तो हम लोग आपस में प्रोग्राम बना लिया था राय कर ली थी, तो हम लोगों ने कहा बाबा ये बहुत महंगा नहीं है, एक रुपये सवा रुपये का होगा, मम्मा ये तुम क्या बोलती है ये इतना अच्छा फर्स्ट क्लास चंपल एक सवा रुपये का चंपल होगा। मम्मा को तो पता था क्योंकि हम मम्मा की ब्राह्मणी थी, संभालती थी और बीच बीच में खिसक के जाके ये काम करती थी, मम्मा मुस्कराने लगी, तो कहा मम्मा देखो सच बताती हो, मम्मा ने कंध से ऐसे से किया, तो मम्मा ने आज देखो कहा मम्मा इसने खुद नहीं बनाया है इसलिए कहती है एक सवा रुपये का है, तुमने चंपल बनाया तुमने कैसे बनाया, तुम बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास तुमने कैसे बनाया, तुम कहाँ से सीखी ये तो मोची का काम तुम कहाँ से सीखी। मैंने कहा बाबा आप जो कहते हो बेगर प्रिंस, तो हम प्रिंस भी है तो बेगर भी है, हमको आता है बनाने, चल आए गए चला ले प्यार किया चला ये तो बहुत अच्छा है, तब तो बाजार से लेने की दरकार नहीं है। मैंने कहा मामा आप छुट्टी दे दियो तो हम सबके लिए एक एक चंपल बनाएंगे। हाँ बच्चे तुमको छुट्टी है पर पैसा है, मैंने कहा वो बाबा हम लोग कर लेंगे, एक आना में से बनाएंगे और कम खर्चे में बनाएंगे और सस्ता बनेगा। अच्छा बच्चे ठीक है बने, बस जाए बाजार से खरीदारी करके थान के थान ये प्लास्टिक प्लास्टिक सब सामान ले आए, कमरे में बैठ के दरवाजा बंद करके दो तीन बहन थी वो सबके साइज के बनाए अच्छे अच्छे करके सब, तो मोती भी बन गई मतलब उसी टाइप फ्री थे ना ये, और तो कुछ था नहीं, मुरली सुनो क्लास करो घूमने जाओ और सेवा करो, तो टोटल यहाँ तक समझो कार खराब हो जाती है, सोच करो कार खराब, एक बार हम कहीं जा रहे थे पंचर हो गया, और पंचर हुआ तो टायर निकाल के बनाएंगे ना, वो कहाँ से लाए मिस्त्री, क्या करते थे छिप छिप के खोल दिया, देखा देखते तो थे ना कैसे पंचर बनता है, बनाया चलाया तो ठीक चली,
एक बार मगज में लहर आई, सारी कार एकदम पुर्दा पुर्दा खोल दिया और नोट करते गए, ये स्क्रू यहाँ से निकाला, यहाँ से कोई कारी कोखा बना दिया बस। बाबा तो चक्रवर्ती था, सुबह को क्लास के बाद पूरा राउंड लगाता था सारा क्या क्या हो रहा है, सब जिसने जिसकी डिपार्टमेंट सब देखने चक्कर लगाने जाएगा। हम लोगों ने क्या किया था, गैराज से गाड़ी गैराज में रखते थे ना, वो सारी खोल खाल के गैराज में कैसे रखें, खोलें बनाएंगे कैसे अंदर छोटी में, वो बाहर कंपाउंड था जैसे टेनिस कोर्ट, उधर कोने में रख दिया था छिपा के गाड़ी को, सारी खोल के पुर्जा पर संदूक, खाली बॉडी थी बस, सारा सामान वहाँ अलग करके रखा। बाबा तो चक्कर लगा के कहते हैं ये गाड़ी क्या है, ये गाड़ी ऐसे कैसे हो गई, इसके टायर वायर कहाँ चले गए। तो हम तो पीछे पीछे रहते थे ना, हम हंसते रहे, तो कहा बच्ची ये कारखाने बंद है, ये गाड़ी किसने खोली है। तो हम हंसते कहा बाबा हम लोगों ने खोली है। बच्ची सारा पुर्जा पुर्जा अलग कर दिया है, खोखा बचा दिया है। तो हमने कहा बाबा गाड़ी कभी कभी खराब होती है ना, तो कोई बनाता ही नहीं है, तो हम सीखने के लिए सारी गाड़ी खोली है और हम बना लेंगे। आहा बच्ची तुम कार कैसे बनाएगी, जूता भी बनाने सीखी सब सीखे, वो कार बनाना सीखे तो बिल्डिंग भी बनाने सीखेंगी। हम लोगों का हाँ बनाएंगे बाबा, आप जो कहते हो तो सर्व गुण संपन्न बनना है, तो सर्व गुण में तो ये भी गुण चाहिए ना, तो हम किसी की गुलामी नहीं करें, गाड़ी खराब हो जाए तो गुलामी करें, कारखाना बंद है क्या होगा, हमको आती होगी तो हम बना लेंगे, इसलिए तो हम सारी खोली है, अब कारखाने बंद है कैसे बनेंगे। हम बोला बाबा आपको एक दो दिन में इस गाड़ी में घुमाएंगे, हंस के चला जाता था। मामा ये मैं समझता हूँ यहाँ ही सब कुछ सीख के यहाँ ही सब तैयार हो जाएंगे, सर्वगुण संपन्न पूरा महल बनाने सीखेंगे। सचमुच फिर हम लोग सारा दिन खाना भी नहीं भाता था, फिर जैसे लिखा वो सारी गाड़ी फिर ठीक किया, चला के देखा बहुत अच्छी चलती है। फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन जब बाबा को छोड़ने गए तो वही गाड़ी उठा के ले आए, वहाँ चला बाबा गाड़ी क्या हुआ, हमने कहा बाबा चल के बैठ के देखो। तो बैठा तो कंपाउंड में है गाड़ी, वो तो घुमानी पड़ेंगी, वहीं बैठ गया। फिर हम घुमा फिरा के ले आए, जब ले गए बाबा को क्लिफ्टन पर, ध्यान से देख रहे गाड़ी तो ऐसे चल रही जैसे मक्खन चल रहा है। बच्ची तुम दो चार हो गए, अब तो तुम लोगों को कारखाने में देने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। हमने कहा बाबा कारखाने तो बंद है, पंचर होता है तो देखने लग जाते हैं, अभी तो हम सब बना लेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना गाड़ी, हाँ ठीक है, आवाज भी नहीं करती है, झटका भी नहीं खाती है। ऐसे करके समझो बाबा हमेशा कहता था सब कुछ बच्चों को सीखना है कोई भी चीज। और सचमुच वो ऐसी स्थिति परिस्थिति हुई थी, कारखाने बंद है, मुरली जरूर सुननी है, मुरली सुनने के लिए बाबा को लाना है छोड़ना है, और ड्राइवर को बिठाते तो गाड़ी छीन के ले जाएंगे मार देंगे, वो भी हमको करना है। तो ऐसे करके बाबा ने सब कुछ सिखा दिया, मोची भी बनाया तो इंजीनियर भी बनाया सब। यहाँ जब दादी बेकरी पार्ट चला तो ऐसी कोई घटना जिससे ये महसूस हो कि ये एक निश्चय की परख थी। निश्चय की ऐसा हुआ, जब वहाँ से जब हम लोग आए ना तो खर्च आने का तो खर्चा होगा ना, और वहाँ उसी टाइम में तुमको पता है लेते कुछ भी नहीं थे, जैसे अभी स्टूडेंट्स आते हैं भंडारी है ये, उस टाइम तो आना जाना बंद था ना, सिर्फ जो भट्टी में समर्पण थे वही थे, वो कितना दिन खाएंगे। सब कुछ जो समझो हम लोग पहना हुआ लाया आया, वो तो पाकिस्तान के टाइम में जब कुछ लेना ही नहीं है तो घर से ही खाना है, तो इतने तक समझो जो सब कुछ समझो हमारे जेवर है, बिक्री करेंगे तब खाएंगे ना। तो जो हम लोग समर्पण हुए ना उसी टाइम जैसे जैसे स्थिति परिस्थिति आती थी तो वो समझो सेल हो जाता था। तो ये जो लंदन की हिस्ट्री है ना, तो उसी टाइम हम लोग को तो ज्वेलरी घर में तो पड़ी रहती थी ना, तो जब हम आई समझो तो उठा के ले भले नहीं आई, लेकिन जो पड़ा हुआ होगा वो तो आएगा ना,
तो जब हम लोगों की लाइफ चेंज होने लगी तो वो सेल होने लगा, सेल होने लगेगा ना, तो सब समझो सेल हुआ। सेल हुआ तो कहीं तो जाएगा। अब ये जो चीज़ें हुई तो हम सब समझो अभी खा पी के कितना दिन, 14 साल कम थोड़ी होता है, और 300 लोग खाने पीने का, मकान सब किराए पर है, अपना कुछ नहीं है, गाड़ियाँ जो है उसको भी पेट्रोल भी सब चाहिए, तो समझो जो सरेंडर हुआ बाबा से सब कुछ वो खा पी के खाली कर दिया था। समझा बाबा आज अन्न नहीं है, बच्चे राशन नहीं है, हाँ ड्यूटी वाले जो थी इशू समझो इशू को बोल देते, पैसा नहीं तो क्या होगा। अच्छा बच्चे चलो बगीचे में खा के आते हैं, खा के तो आए परंतु तुम चावल चीनी मंगाओ गेहूँ, पैसा चाहिए ना, बाजार वाला तो नहीं मुफ्त मिलेगा, पैसा ही नहीं है जो तुम चावल और गेहूँ मंगाओ जो खाओ, तो बेघर लाइफ हुई ना। तो फिर बाबा कहता था बच्चे कोई हर्जा नहीं है, शिव बाबा को याद करो, ऑलमाइटी गवर्नमेंट को याद करो, वो तुमको भेज देंगे। तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट को याद करके तो फल खा के आके बैठ जाते थे क्योंकि खरीदने की हिम्मत नहीं है, वो कितना दिन चलेगा। तो तभी भी मैं समझूं कुछ सालों तक ऐसे चला होगा जो पैसा नहीं है जो राशन है। फिर जब वहां से यहाँ आए हैं तभी भी तो सिंपल सीधे थे, इतना जास्ती नहीं था। फिर एक बार बैठे बैठे बाबा को जैसे बताया ना, बाबा ने कहा जाओ बच्ची को लंबी सर्विस कर दिया, पीछे समझम जैसे बाहर बाहर निकलने लगे सेवा के लिए, उसने बुलाया, कोलंबे गए। फिर पटना से एक सेठ था मारवाड़ी जालान जिसको कहते हैं, वो घूमने आया था यहाँ। अच्छा घूमने तो उसको ज्ञान बहुत अच्छा लगा, तो उसने बाबा से मांग किया तो हमारे साथ कोई चले। हम लोग बाबा को छोड़ के कहीं जाते नहीं थे, लेकिन बाबा मुरली जोर से चलाए, सेवा नहीं करेंगे, बेहद के बादशाह कैसे बनेंगे, विश्व का कल्याण कैसे होगा, खाली खाओ पियो मौज करेंगे, जाओ बच्ची सर्विस करके आओ, देखो जालान बाबू कहते हैं हमारे घर चलो। तो मैं समझती हूँ पहले पहले कोलंबे के बाद जो जालान सेठ साहिर लाल सेठ, वो बाबा को कह के हम लोग को ले गया पटना। हम पटना, वो तो सेठ था पटना में ले गया, तो हम तो गृहस्थी घर में रहेंगे नहीं, ये भी उसके लिए समस्या, वो तो ले चल रहा है अपने लिए। फिर उसको बंगला था दूसरा भी मकान, उसने हम लोग को रखा। अच्छा रखा तो रहने से नेचुरल है ना, जब बात करते करते फिर ऐसी ऐसी बातें होती थी बेगरी लाइफ की, ये उसको सुनाते करते सर्विस करते थे, तब उसके मन में रहता था कभी पटना सेंटर खुला उसी के कनेक्शन से, और अच्छा उसका दिल बहुत बड़ा रहता, वो समझो हम लोग को खर्ची देगा तो हम तो ये गिन डालेंगे ना। तो ऐसे पर धीरे 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 पापा ने हम लोग को बाहर भेजना शुरू कर दिया, बॉम्बे गए, इधर गए पटना, ऐसे सेंटरों में जाते गए तो वो जो मिले तो हम तो खाएंगे नहीं अकेले। फिर हम लोग यज्ञ को भागते रहे, भागते यज्ञ बता रहे अब यज्ञ प्रिंस हो गया, लेकिन उस टाइम बाबा मूली में मूली के बाद बोल देता था खाने के लिए नहीं है, तब हम कहते थे बेच करते, माना मन से खुशी रहती थी ना, प्रिंस थे राजा ही नचा रहता था सतयुग के प्रिंस है, और हालत थी खाने के लिए खाना नहीं। राधे जी जब बाबा अव्यक्त हुए तो उस समय यज्ञ में स्थिति कैसी थी, और यज्ञ के भविष्य के लिए आपको क्या प्रेरणा मिल रही थी? ऐसे तो बाबा अव्यक्त हुए तो हम उसी टाइम आ गए थे यहीं से, तो सभी को पहले से ही बाबा जब थे ना तो पहले से ही हमेशा बाबा ये समझाता था बच्चे कुछ भी हो तुम लोगों को योग का दान और शांति का दान देना है, कुछ भी हो, क्योंकि आत्मा एक कपड़ा उतारती है पुराना नया पहनती है, तो नया कपड़ा पहनने से तो खुशी होंगी, इसलिए कभी भी आपको किसी भी बात से शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मम्मा का हुआ हमारे लौकिक का अलौकिक का, तो उसी टाइम भी बाबा हमको समझाता था, तो हमको मेरे ख्याल में जान सके कभी हमको रोना नहीं आता था।
बल्कि बाबा का जब हुआ तो कुछ कुछ भावना युक्त तो होती है, तो कुछ कुछ को थोड़ा आंसू देके तो हम कहते थे बाबा के मन है, जिसको रोना है बाहर शांति से बैठो बाबा की याद में। तो जब दूसरों को समझाती हूँ तो मैं तो अंडरस्टूड ऐसे ही रहेंगी, और प्रैक्टिकल रहने की बात क्या, नेचुरल कुछ अवस्था ऐसी ही रही जो हमको जरा भी रोना या अंदर से दुख फील नहीं हुआ। हमको ऐसे लगता था बस अब नई दुनिया की स्थापना का समय बहुत नजदीक है, क्योंकि बुद्धि में ये था ना, तो ब्रह्मा सो श्री कृष्ण भावना भी थी और कई बार हमको ऐसे दिखाई भी पड़ता था, तो इसलिए हमको मानसिक दुख कहें या रोना न आया, और हम किसको भी रोने नहीं देते थे। तो भी शांति आपको कोई ऐसा संकल्प आया कि कुछ बोलते भी थे, कुछ कुछ बोलते भी थे, तो भाई अभी क्या होगा, मम्मा भी गई बाबा भी चला गया तो यज्ञ का क्या, तो हम एक ही जवाब देती थी, तो ये मम्मा बाबा तो निमित्त है, हम सभी निमित्त है, यज्ञ तो ईश्वरी विश्वविद्यालय तो ईश्वर का है, तो ईश्वर अमर है, उसका तो सवाल है, तो जब तक यज्ञ चलेगा ठीक से चलेगा और बाबा की महावाक्य कहे या आशीर्वाद कहे हमेशा रहती थी, बच्चे जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे तुम लोगों की उड़ती कला चढ़ती कला होती जाएगी। तो बाबा के महावाक्य प्रैक्टिकल अभी अनुभव भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और हमको तो शुरू से ही बाबा का ये मिला हुआ रहता था, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, ये शब्द जब बाबा ने बोला लौकिक मम्मी के शरीर छोड़ने पर, और मम्मा ने भी शरीर छोड़ा तभी भी बाबा ऐसे, इसी कारण से हमको बाबा के महावाक्य हमेशा कान में रहते थे, तो कभी मेरे ख्याल में हमको दुख या रोना नहीं आया। दादी जी, जब भाव विश्व किशोर ने शरीर छोड़ा और मामा ने भी शरीर छोड़ा, तो उस समय बाबा की स्वयं की स्वरूप क्या थे, और यज्ञ में भी जो भाई बहन नजदीक रहने वाले थे का भी क्या, बस ऐसा था जो बाबा खुद ही, जब वो टाइम होता था ना मुरली ऐसे जलाता था, तो बच्चे कुछ भी हो नई दुनिया आने वाली है, ये एडवांस पार्टी जाती है, एडवांस पार्टी है, कभी भी किसी को रोना धोना नहीं है, जो रोएगा तो फेल होगा, इसलिए रोने की बात ही नहीं है, ज्ञान तो हम सबको था ही था। और जब हमारे लौकिक मम्मी ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने महावाक्य बोले अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे, तो उस टाइम से समझो हमको कभी भी किसी के मृत्यु पर रोना या नहीं, हम समझते थे बस नई दुनिया की तैयारी के लिए एडवांस पार्टी जा, इसलिए दुख की बात ही नहीं है। और प्रैक्टिकल इस ज्ञान में जब हमको ये ज्ञान है तो आत्मा अमर है और मैं आत्मा हूँ, तो जैसे ड्रेस चेंज करते हैं वैसे शरीर की ड्रेस चेंज हुई, रोने का सवाल ही नहीं उठता है, रोना माना फेल होना, फेल तो होना ही नहीं, पास। हमने सुना है कि आप मम्मा के बहुत ही करीब रहे हैं, आराम से रहे हैं, मम्मा के साथ ही रहे, मम्मा के साथ ही, तो आप ये हमें सुनाइए कि मम्मा की क्या विशेष विशेषताएं थी, कुछ अनोखी विशेषताएं हाँ। जो औरों में सहज रूप में देखने को नहीं मिली थी, ऐसी विशेषताएं हाँ, हम मम्मा के साथ ही रहते थे, जैसे तो ऐसा था जो मम्मा की प्रकृति गंभीर बहुत थी, शांत गंभीर, भले मुरली चलाएंगी, सारी ड्यूटी डिपार्टमेंट मम्मा के ऊपर थी, जवाबदारी थी, लेकिन हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया, समझो कोई बात नहीं, जैसे बेगर लाइफ आई तो एक होता है ना भाई खाने के लिए नहीं है तो चिंता थोड़ी हो, लेकिन मम्मा का स्वभाव ऐसा रहा, हमेशा मुस्कुराती रहेंगी, कुछ भी हो जाएगा, कोई का शरीर छूटता है, खबर आई बाहर से आई इधर से आई, मम्मा की मम्मा ने शरीर छोड़ा, तभी भी ऐसी रहेंगी जैसे मम्मा का कोई कनेक्शन ही नहीं है, मुस्कुराती रहेंगी और गंभीरता बहुत थी, कुछ भी मम्मा को सुना दियो तो ऐसे हमको कभी फिक्र नहीं रहेगा, तो पता नहीं मम्मा कुछ बाबा को रिपोर्ट करे या मम्मा किसको सुना ले या मम्मा नाराज हो जाए, नाराजगी क्या होती है हमने कभी मम्मा से अनुभव नहीं किया।
और मम्मा के पास हम बिल्कुल साथ ही रहते, जैसे दीदी के साथ मोहिनी दास जी के साथ रहती है, और संतरी संतरु रहती थी बाबा के पास, मैं रहती थी मम्मा के पास, तो साथ ही साथ रात दिन रहे। तो मम्मा की नेचुरल प्रकृति, गंभीर योग युक्त साइलेंस है, बहुत सचवच मम्मा मम्मा है, इसलिए बाबा ने उसका नाम रख दिया था ओम राधे। बाबा को ओम, बाबा मम्मा को ओम राधे कहता था, क्योंकि राधे नाम था। और पीछे हम छोटे छोटे थे ना, तो उसी टाइम मम्मा के प्यार से बाबा हमको पहले पहले कहता था, उसके पास मैं रहती हूँ तो कहता था ये तुम्हारी माँ है, क्योंकि माँ को छोड़ा तो दूसरी माँ चाहिए। तो फिर हमने ही मम्मा को पहले मम्मा कहा, और फिर सब भी मम्मा मम्मा कहने लगे, ताकि बाबा भी कई बार कहता था मम्मा कैसे। मम्मा की आयु तो बहुत कम थी औरों के रूप में भी, बहुत कम, परंतु फिर भी मम्मा मम्मा कैसे बने? मम्मा की गुण, मम्मा की गंभीरता, और हर कार्य मम्मा का ऐसा रहता था जैसे समझ बाबा जैसे कहे ना, तो गुप्त योगी कोई हो, भले देखने में बिल्कुल सिंपल आती थी, लेकिन मम्मा में गुण इतने थे। मैं नहीं समझती हूँ हम लोगों ने जिंदगी में कभी मम्मा का मूड ऑफ देखा या गुस्सा, कुछ भी हो जाता था तो हमेशा मम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट रही। और मम्मा गंभीर थी ना, तो बाबा शुरू शुरू से पहले ओम राधे बोलता था, पीछे जब देखा तो ये सारा ड्यूटी डिपार्टमेंट चक्कर लगा के घूमती देखती रहती है, तो फिर बाबा के मुख से निकला। और मैं रहती थी तो मेरे को बोलता था, बच्ची नष्टो मोहा, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी माँ है। तो हम लौकिक माँ को यशोदा मैया कहती थी नाम से, और इसको मम्मा कहती। और मैं रही उसके साथ जाती तो नेचुरल है, जो साथ रहेगा वो प्रकृति भी ऐसी हो जाएंगी ना। तो जब बाबा समझो कभी कभी कोई हमसे पूछ भी लेते थे, तो बाबा तुम्हारा बाबा है, तुमको नहीं ऐसे मोह पड़ता है, भाई दूसरे सब बाबा के पास ऐसे ऐसे फ्री रहते हैं, हम कहते थे। जब संन्यास किया तो फिर बाबा बाबा एक दिन हंसी हंसी में किसी ने हमको कहा, तो बाबा तो दूसरों दूसरों को ऐसे करते हैं, तुमको तो ड्यूटी देता है, ये करो तो वो करो, ड्राइवरी करो वो करो, हम कहती थी अच्छा है, अगर ऐसा न होता हमारे में निर्माणता कहाँ से आएंगे, नहीं तो मेरे को फूकियम अब मान पाएंगे मैं बाबा की लड़की हूँ। अभी तो हम समझते आप सभी बाबा के बच्चे हो, पहले आप पीछे हम। तो ये एक प्रकृति जैसे छोटे थे ना, हंसी कुडी में चल जाए। कुछ प्रैक्टिकल में ऐसी घटना बीती हो जो भुलाए भूलता ना हो मामा के साथ, ऐसी बातें? नहीं, हमारे को ऐसा बीती हो भुलाए भुला नहीं सकूं, ऐसी कोई विशेषता की आधार से तो कई बातें ऐसी होती है जो भुलाया भी नहीं जाता है और जीवन में उतरता है। नहीं, वो ऐसा था जैसे समझो हम लोगों की बेघर लाइफ आई, हाँ, तो बाबा तो बाबा है, हम मम्मा के साथ रही, तो मम्मा के साथ रहने से तो नेचुरल सब काम करना पड़ता है, और हमने कभी कुछ भी बाल भी कभी अपने हाथ से नहीं बनाया होगा लौकिक में, वो आया ही रहती थी, वो संभालती थी। लेकिन मम्मा के साथ रहने से जब ये सब हुआ तो ऐसे हल्के हल्के से प्यार से बोलते थे, फिर तुम क्या करेंगी? तो बाबा कभी हंसी में कहता था, इस बच्ची को तो कुछ आता ही नहीं है, ये क्या करेंगी, ये थोड़ी भंडारा संभालेंगी। तो मैं कह देती हाँ, तो वो हिस्ट्री सुनाऊंगा आप लोग भाई। तो एक बार क्या हुआ, जब हमने तो कभी किया नहीं ना लाइफ में, लेकिन जब ये लाइफ हम लोगों की चेंज हुई तो सब कुछ करना पड़ा, और ड्यूटी भी देनी पड़ती, भाई आज खाना तुमको बनाना है, उसको बनाने, सब काम में सफाई, खाना पीना, मतलब बाबा के मुख से निकल दादा ऑलराउंडर बनना है, तो बच्चे तुमको सब सीखना है। अच्छा, हमको भले कुछ नहीं जानते हुए भी जब हम अंदर चली जाते, समझो हमारा टर्न है भंडारे का, तो हम खाना जरूर देख देख के बनाएंगी, और जो भंडारे की डिपार्टमेंट उसको बोलेंगी हमको, हम घुमाती है, पतली छोटी सी तो इतनी ताकतें, तो 300 आदमी का खाना बनेगा तो क्या होगा, फिर भी हम उठा के दो हाथ से ऐसे से घुमाने लग जाते थे। तो भाई खाना तो बनाना ही है, ड्यूटी करनी है, और हमको न दम हो गया था अस्थमा, तो अस्थमा में श्वास भारी होता है, तो जब हमारा टर्न होता था तो कोई इशारा देता था बाबा को, तो बाबा आप इसको मना करके जाओ, ये चली जाती है।
तो धुआं आता है, ये होता है। तो बाबा कहते बच्ची तुम और भी काम कर सकती हो, मत जाओ भंडारे में। मैं कहती थी नहीं बाबा, दम तो अपना काम करेगा, हम ड्यूटी नहीं करें, है हमारा, हम जरूर जाएंगे। भले मदद करते थे बहुत, पर जाती थी। तो एक बार हंसी की बात सुनाऊं, एक बार हमारे ऊपर टर्न आया बर्तन मांझने का, क्योंकि हम लोग को सब नंबर से करते थे ना। तो जब बर्तन मांझने की ड्यूटी मिली तो 300 का इतना बड़ा टोपिया होगा और हम पतली छोटी थी, हमारा हाथ कैसे पहुँचेगा। और वो पक जाते हैं तो थोड़ा जल जाता है ना, वो ध्यान से लिखना, वो काट कूट देना, वो जल गया था बीच में टोपिया, अरे हमारा हाथ पहुँचता नहीं था। तो हम छोड़ भी सकती हूँ, परंतु हमारा स्वभाव ऐसा था जो कभी कोई भी ड्यूटी मिले तो मैं ना नहीं करूँगी। अब बर्तन मांझने की ड्यूटी मिली तो मम्मा बम्मा तो भले बोलेंगी इसको दम है, इसको ये झंझट नहीं दियो, ठंडा पानी ये हो, हम कहते थे नहीं हमारा टर्न है, हम मांझेंगे। तो क्या हुआ, इतना बड़ा टोपिया हमारा हाथ पहुँचा नहीं और बीच में जल गया था। मांझना भी अच्छा करके चेक करेंगे, हमने इधर उधर देखा चारों तरफ कोई है तो नहीं, कोई नहीं दिखाई पड़ा। तो राख रख के उसके बीच में मैं कूद के अंदर चली गई। हाँ, कूद के अंदर जाती है टोपी के बीच में पांव से मांझने लगी तो जला हुआ निकल आएगा। इतने में पता नहीं घूमता फिरता सामने सामने से बाबा आ रहा था। अच्छा, बाबा ने देखा तो ये बच्ची टोपिया के अंदर क्यों नाच कर रही है, डांस कर रही है। फ्रॉक पहनते थे ना तभी, आज तो नहीं, टोपिया के अंदर क्यों डांस कर रही है। ऐसे करके दो से पूछ लिया तो कोई सास जो बाबा के था, उसने कहा मालूम नहीं टोपिया में अंदर क्यों जाके डांस कर रही है। जब बाबा आ गया तो मैं कूद के बाहर निकल आई। तो आगे आके कहते हैं बच्ची क्या हुआ, तुम टोपिया में डांस कर रही हो। मैंने कहा बाबा ये बहुत जला हुआ है, हमारा हाथ पहुँचता नहीं है और हमारी ड्यूटी है बर्तन मांझने की। तो उंगली उसने राख रखी और अंदर पैर से ऐसे ऐसे किया तो साफ हो गया। बाबा ऐसे करके हाथ से पकड़ के बोले मम्मा इसको दम होता है, इसको ऐसे ऐसे काम देंगी तो क्या होगा, शरीर तो चलेगा नहीं। तो देखो टोपिया में डांस कर लेती है, इसको बर्तन मांझने की ड्यूटी कभी नहीं दी, क्योंकि दम में तो ठंडे पानी में हाथ भी नहीं डाल। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा था जो बीमार भी होंगी ना तो कोई काम कोई कहेगा ना, मैं ना नहीं बोलेंगे, और ये भी नहीं बोलेंगी मैं बीमार हूँ जी, ठीक है कर लूँगी, नहीं तो पेट्रोल की बात आती है, गाड़ी नहीं चलाऊँ तो चल सकता है, लेकिन हम ना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जी हाँ जो काम मिलेगा। तो उस टाइम तो बाबा हमको पकड़ के ऑफिस में बोला बच्ची आज के बाद कभी तुमको बर्तन नहीं मांझना है, तुमको इतना दम होता है और दम निकल जाएगा। मैंने कहा वो तो एक दिन निकल नहीं है, ड्यूटी क्यों छोड़ेंगी बाबा, कमाई कैसे होगी हमारी, और हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो हंसने लगा, कहा टोपिया में डांस करती हो अच्छी बात है। मैंने कहा आगे के लिए नहीं करेंगे। ऐसे करते मतलब कई ऐसी घटनाएँ आती थी सामने, लेकिन कुछ ऐसा था जो ना नहीं करना है, क्योंकि मूली में बाबा कभी कभी बोलता था कुछ भी हो ना करता है नास्तिक, तुम तो बाबा के आस्तिक बच्चे हो, जी हाँ जी हाँ का पाठ हमेश बजाओ। तो कुछ भी हो ना, हमको कुछ होता था तो हम बीमार भी होंगी ना, समझो किसको मालूम नहीं है, ड्यूटी दिया तो मैं ना नहीं बोलूँ जी हाँ। फिर भले वहाँ से हमको मम्मा बाबा कोई अदल बदल करे, लेकिन मैं ना नहीं बोलती थी कभी, ये पक्का बुद्धि देने इसलिए ऐसे डॉक्टर है। हर बात में अटेंशन रखती हूँ, हर बात में, ऐसे तो कोई खास ऐसी बात नहीं है जो हमको चिंता फिक्र की बात है, क्योंकि प्रकृति भी कुछ ऐसी है और बाबा ने ड्यूटी भी ऐसी दी है जिसमें चिंता करने की कोई दरकार नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो हम खुशी खुशी से कर लेते हैं। जैसे कभी कभी कोई कोई को कोई कोई ऐसी व्यक्तियाँ होती है उसको ये प्रश्न उठता है तो बाबा का यज्ञ है और दूसरे तो सब यहाँ ही रहते हैं, ये क्यों उधर बाहर रहती है, प्रश्न पूछते हैं। तो हम
फील करें भाई नहीं हमको यज्ञ में दादियाँ हो गई, हम तो बाहर चली गए थे, हम उनको एक ही जवाब देती है, तो देखो हम बाहर हैं तो भी आपका प्रश्न जिसका होगा वो उठेगा ही, अगर हम यज्ञ में रहेंगी तभी भी आप लोग कहेंगे तो बाबा देखो अपनी लड़की को इतना बड़ा यज्ञ दे के गया, कभी ऐसे कहेंगे तो हंस पड़ते हैं, यज्ञ को यज्ञ का हेड अपनी लड़की को बना दिया, और अगर बाहर रहती हो तो भी प्रश्न उठता है, तो प्रश्न जिसका उठना होता है उठता ही रहेगा, लेकिन हम लोगों को ऐसी समानता रखनी है, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, सेवा हमारा धर्म है, बस हमारा तो एक ही लक्ष्य रहता है, तो कुछ भी हो सेवा होनी चाहिए, अनेक आत्माओं का कल्याण होना चाहिए, उसमें हमको कुछ भी करना पड़े तो हमको कोई हर्जा नहीं, क्योंकि बाबा की सेवा हमारा स्वधर्म है। परंतु वर्तमान समय जैसे कि अनेक प्रकार की बातें सेवा केंद्र पर रहकर भी अनेक प्रकार की बातों का सामना करना पड़ता है, समस्याएं सामने आती है, उलझन आती है, उसको सुलझाना पड़ता है, हम प्यार से सुलझा लेती है, तो ऐसी सिचुएशन पर आप सहज ही इसको सुलझा लेते हैं, इसके बीच में क्या राज है, रहस्य क्या है, हर एक नहीं कर पाते हैं, परंतु आप लोग जो भी शुरू के बाबा के साथ रहे हुए सहज ही कर पाते हैं, इसका क्या रहस्य? इसलिए क्योंकि हम लोगों के बुद्धि में एक बात हमेशा रहती है, जैसे देखो बस का एक्सीडेंट हुआ था, आपको मालूम है बस उलट गई थी, हम बहन ही चला रही थी, तो उस टाइम डिस्टर्ब होना चाहिए ना, लेकिन हम हंसते हंसते बोलते रहे कोई हर्जा नहीं, टीन पेपर आया कोई हर्जा नहीं, और अभी तक भी कुछ भी ऐसी बात होती है तो हमारे बुद्धि में एक ही बात रहती है, हम बाबा के बच्चे हैं, पेपर आएंगे जरूर, कलयुग है, रावण राज है, तो उसमें अनेक प्रकार की बातें आएंगी, लेकिन हम खुशी खुशी से उसका सामना करते रहेंगे तो हर बात सूली से कांटा हो जाता है, सहज बीत जाती है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, कई बातें ऐसी अभी तक भी आती है, तभी भी हम देखते हैं निश्चय की जय, निसंकल्प रहते हैं, और सच पूछो तो हमारी शायद ठंडी प्रकृति है क्या है, जो जाति संकल्प विकल्प उठते ही नहीं है, एकदम हल्की रहेंगी, निसंकल्प कुछ भी हो जाए, और उस निसंकल्प रहने से हमारा जहाँ तक अनुभव है तो हर कार्य ठीक भी हो जाता है, समस्या समाधान से सुतह ही हो जाती है। नदी इन दिनों बहुत अच्छी पुरुषार्थ की लहर हर तरफ चल रही है, तो क्या आप ये हमें बताएंगे कि इन दिनों आप किस बात की पुरुषार्थ की विशेष ध्यान रखते हैं, स्वयं की क्योंकि संपन्नता नजदीक आता जा रहा है, और संपन्नता को सामने रखते हुए बाबा को सामने रखते हुए आप कौन सी ऐसी विशेष पुरुषार्थ जो अभी इन दिनों में विशेष ध्यान रखते हैं? हम एक ध्यान का हमेशा रखती है, तो कुछ भी हो कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए हमारे से कोई कभी नाराज ना हो, हम भी खुश रहें और खुश रखें, खुश रहो खुश रखो ये हमारा लक्ष्य पक्का रहता है, उसमें कुछ भी हो जाए, फर्ज करो कभी हम जैसे ट्रांसफर होते हैं तो कईयों को होता है ना भाई हमारा सेंटर, लेकिन हमको रेखा रिंचक भी नहीं आता है, आज हम कलकत्ता बैठी हूँ कल बाबा कहीं, और ऐसे पेपर हमारे ऊपर बहुत आए, जैसे हम बॉम्बे रहती थी 3 साल रही है, अचानक बोलता है 4-6 दिन के लिए 8 दिन के लिए कलकत्ता जाओ, फिर वहाँ उनको लिख दिया उसको रख देना, वहाँ भेजना नहीं, हम दो चार ड्रेस में ही हम अदली बदली होती हूँ, लेकिन मेरे को ख्याल चले ना ऐसे क्यों होता है, कभी रेखा मात्र भी संकल्प नहीं चलता, ऐसे ही चली जाएंगी तो रह जाएंगी तो रह जाएंगे, आ जाएंगी तो आ जाएंगी, संकल्प विकल्प पता नहीं कुछ ठंडी प्रकृति है इसलिए नहीं उठता है, व्यर्थ संकल्प हमारा चलता ही नहीं है, शांत स्वरूप रहते हैं, इसलिए बाबा ने नाम रख दिया है ना ये क्या सचमुच ये अव्यक्त बाबा का नाम मिला हुआ है, हाँ इसलिए रख क्या राज है इसके बीच में, तो भाई शांत चित रहती है निर्मल, नहीं तो मेरा नाम पता है एक बताऊंगा आप लोग को, एक बार हम समुद्र के किनारे घूमने गए थे कराची में, तो क्या हुआ हम बताऊंगा शायद जी, समुद्र के किनारे खड़े थे तो बहुत समुद्र की लहरें चल रही थी, अच्छा लहरें चल रही थी इतना जोर से समुद्र था, तो हम ऐसे देखते नहीं रहते, तो कोई एक बहन थी वो ध्यान में चली गई,
अच्छा ध्यान में चली गई तो वो हम सब खड़ी है बहने समझो, ध्यान में गई और हमको देख के इतना चिल्लाए, इतना डरे, एकदम बाबा के पीछे छिप जाए, बचाओ बचाओ। बाबा ने कहा बच्ची क्या बात है, क्या बात हो गई? तो हमको देखी हो ऐसे 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 छिप जाए, क्या हुआ? कहती बाबा इसके ना आँख से इतनी जोर से आग लग रही है, निकल रही है, सारा समुद्र सूख रहा है, सारा समुद्र सूख रहा है, इसके आँखों से जोर से आग निकल रही है, समुद्र सूख रहा है, ऐसे करेंगी तो हम भी चल जाएंगी, परलय हो रही है परलय, ऐसे ऐसे हिलती हिलती बाबा के पीछे छिप गए, परलय हो रही है परलय। तो बाबा ने क्या किया, घूम के हमारी आंखें बंद कर, कहते हैं परलय काल बंद हो जाओ, परलय हो रही है परलय, तुम परलय कर रही हो, आंख बंद करो। ऐसे करके आंख बंद कर मैं बाबा के पीछे पीछे घुमा दिया, तब वो शांति से ऐसे देखने लगी। तो उसी दिन मेरा नाम ही बाबा ने परलय रख दिया। अरे आए सेंटर पे यार मामा, परलय कहाँ गई? परलय कहाँ गई? हम घर हंस पड़ती थी, हंस पड़ती थी, हंस के आती थी, कितना दिन तक बाबा मेरे को ऐसे बुलाता था परलय। फिर जब अव्यक्त बाबा आए ना, भाई सबके नाम बदले हो गए, तब भी बाबा ने हमारा नाम रख दिया, ये निर्मल शांत रूप है, इसका परलय नाम क्यों रख दिया है? तो कहे विनाश करने वाली है, ये विनाश करती है। तो बाबा ने ऐसे हसीियत में रख दिया, कितने दिन हमको ऐसे ही बुलाते थे। पीछे फिर अव्यक्त बाबा ने जब सबका वो लिस्ट लेके सबका नाम लेके, तब बाबा ने कहा ये तो निर्मल शांत स्वरूप है, किसका नाम है? सब लिखा है, बदली कर दिया। पार्वती। तो जब ज्ञान में आई तो बोलते थे शंकर की पार्वती आई है, तो फिर वो नाम बदली करके बाबा लाड से बाबा पार्वती कम बोलता था, लाड से पालू। वो सिंध में आम्ब मिलते थे पाली आम, तो बाबा प्यार करके कहते थे ये पाली आम्ब मिठो, खाओ इस आम्ब को, वरना नहीं ये मैं तुमको अच्छी नहीं बना रही। पूछ ही नहीं, नाम बहुत मिले, इसलिए निर्मल चांदा फाइनल पीछे हो गया, जब वही चलता है सेवा में। अच्छा और बस नहीं जी, वर्तमान समय आप तो जानते ही हैं कि इस समय जो भी आत्माएं यज्ञ के अंदर आते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संबंध संपर्क में आते हैं, हर एक आत्मा के अंदर इतनी बल नहीं होती है जो अपने आप को संपूर्ण रूप में चला सकें। तो वर्तमान समय को सामने रखते हुए कि हर एक कलयुग के अंदर और आप लोग जो शुरू के निकले हुए उनके अंदर इतनी शक्ति स्वरूप है, रुचे से आत्माएं नहीं, फिर भी ऐसी आत्माओं को कायम रखने के लिए और बाबा के बनाए रखने के लिए आप क्या उनके पीछे किस प्रकार से बल भरने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं? समझाते रहते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं, क्योंकि कईयों को कब कब ऐसी बात आती है बुद्धि में, तो कब का मामा कहता था विनाश आएगा, अभी तक आया नहीं, क्या ये सच्ची बात है? तो उनको हम तो ऐसे ही समझाती है, तो देखो बाबा ने भले कहा विनाश आएगा या कुछ भी हो, विनाश हो या न हो, तुम्हारे जीवन में जो अशांति और दुख सुख आता है, हम ऐसे समझते हैं तो हम लोगों का धर्म है अपने को सदा सुखी रखना। तो तुम्हारे पास कभी कोई मरेगा जिएगा, कुछ आपस में लड़ेंगे, कुछ भी हो, भाव स्वभाव से भी कई प्रकार का मूड ऑफ हो जाता है, तो हम तो हस्ती में कह दीजिए मूड ऑफ करना माना माथे का हो डूब गया, खाली हो गया, राइट नहीं है। हम इस कुछ भी आगे समस्या परिस्थिति आए ना, तो अवस्था अपनी एक रख सकते, ये तो होगा संसार है, उसमें तो नीचाई ऊंचाई सब कुछ होगा, दोस्ती दुश्मनी होंगी, कोई मरेगा कोई जिएगा, जन्मे तो सुखी रहो हंसो खुशो महफिल करो पिकनिक, और मरे तो रो, जब तक मरेगा नहीं तब तक जन्मेगा कहाँ से? ये शरीर छूटेगा तब तो हमको दूसरा शरीर मिलेगा ना, तो इसलिए मैं ऐसे हमेशा समझती हूँ शुरू से जब से ज्ञान में आई हूँ, तो कुछ भी हो बुद्धि में ये रखें, तो शरीर इसने छोड़ा तो हम रोने से कोई फायदा नहीं है, वो छोटा बच्चा बन के अनेक आत्माएं उसको खिलाएंगी खिलाएंगी प्यार से रखेंगी। तो ये समझो ड्रेस चेंज हो गई ना, ड्रेस चेंज करने में पुरानी उतारो नहीं पहनो तो रोएगा,
खुश होगा ना, तुम्हारा पुराना कपड़ा लेके हम तुमको नया पहनाए, ड्रेस दे दे, पुराना बोले छोड़ दो, गरीबों को देंगे तो तुम रोएगा, खुशी होगी। ये मानस चोला है, लौकिक में भी संसार में भी कहते हैं मानस चोला है, तो चोला है पुराना हो जाएगा, इसका डिपार्टमेंट ड्यूटी पूरी हो जाएगी, जरूर चेंज होगा। तो इसी ये ज्ञान ध्यान में रखने से ही, देखो मम्मी ने शरीर छोड़ा, मेरे को आंख नहीं आया, होने नहीं दिया, मम्मा के मम्मा को तो मैंने समझो मम्मा मेरे को साथ ही रखती थी, हमेशा साथ रहती थी, तभी भी उसी टाइम जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मेरे को आंखों से तो पानी छोड़ो, मन में भी हमको दुख दर्द नहीं होता है, क्योंकि हमको उसी टाइम ये ज्ञान ध्यान में रहता है, तो ठीक है नया जन्म भविष्य बन रहा है, नई दुनिया की स्थापना के लिए कोई तो चाहिए ना। अच्छा बाबा लौकिक बाबा है, अलौकिक है, हर प्रकार से समझो हमको कुछ भी फील हो सकता है, लेकिन मेरे को एक ही ज्ञान ध्यान में रहता था, बाबा ने जो हमको ये ट्रेनिंग दिया, बच्ची आत्मा अमर है, एक पुराना कपड़ा उतार के नया पहनती है। अच्छा ब्रह्मा सो श्री कृष्ण को बनना ही है, तो ड्रेस चेंज करेगा तब कृष्ण बनेगा, तो मैं क्यों ना समझूं, तो बाबा सो श्री कृष्ण के आज्ञा चोला पहन के हम रोएंगे तो क्या होगा, और रोने से कोई लाभ है, हमको याद है किसी ने हमको उसी टाइम टोका भी था, तुमको रोना नहीं आता है, दुख नहीं होता है, आखिर तुम्हारे जन्म देने वाले हैं। मैंने कहा रोने से अगर परमात्मा इस आत्मा को वापस भेजे और फिर मेरी वो पालना हो तो मैं खूब रो के दिखाऊंगी, लेकिन हो गया तो हो गया, रोने से कोई लाभ नहीं, इसलिए शांति बाबा कहते हैं शांति का दान दो, और शांति हमारे बाबा का हमको वरदान है, इसलिए मेरा नाम ही रख दिया है निर्मल शांत, निर्मल भी रहो, झगड़ा झगड़ी नहीं करो, गुस्सा बुस्सा नहीं करो, ब्रेन ठंडा रखो और शांत रहो, तो जैसा नाम वैसा काम करना है, इसलिए मैं समझती हूँ मेरे को रोने धोने का गुस्सा पुस्सा का अनुभव नहीं है। हम प्रैक्टिकल आपको बताएं, एक बार म्यूजियम में वहाँ कोई दूध चरा के बाहर चला गया, तो गैस में दूध उबल गया और दूध बहने लगा और हमको महक आने लगी, हम ऑफिस से उठ के जल्दी गई देखने, तो एकदम दूध बह रहा था, और तब तक वो बेचारी जो रख के गई ना वो दौड़ दौड़ की डर से आई, तो दीदी अंदर भंडारे में घुसी है गुस्सा करेंगी, तो जैसे वो अंदर आई दीदी साड़ी भूल हो गई, मैंने कहा साड़ी नहीं दूध की नंदियाँ की रियल सेल हो रही है, फिक्र की कोई बात, रियल सेल तो होंगी ना, दूध की नंदियाँ सतयुग में बहेंगी, वो रियल सेल हो रही है, तो हंस के मैंने जब उसको कह दिया ना तो बेचारी का मन शांत हो गया, नहीं तो गुस्सा करो ना भाई दूध बह गया और जमीन तक आ गया जैसे, मैंने कहा कोई हर्जा नहीं है रियल सेल दूध की नंदियाँ, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखना ताकि गफलत में भी ना रहे, भाई दीदी खुश होती है दूध की नंदियाँ रोज हमारा दूध बहती रहे, गफलती भी नहीं रहे और डरे भी नहीं, फायदा क्या गुस्सा करने से, गुस्सा से कोई फायदा है कुछ नहीं, इसलिए गुस्सा बाबा ने सिखाया नहीं, मोह ममता सिखाया नहीं, लोभ लालच सिखाई, एक ड्रेस पहननी है चाहे 50 हो चाहे 2, इसलिए इस झंझटों में जाती नहीं। वर्तमान समय में ग्रामीण परिवार से आप क्या उम्मीदें रखते हैं, वो क्या पुरुषार्थ करें? हाँ ये पुरुषार्थ जरूर करें, जैसे बाबा हमेश कहता है, तो हर स्थान पर हर सेंटर में हर ब्राह्मणों में सबसे पहले यूनिटी और स्नेह होना चाहिए, तेरा मेरा यू कभी होना नहीं चाहिए, और गुस्सा तो छोड़ो, मैं तो कहती हूँ मूड ऑफ भी ब्राह्मणों की नहीं होनी चाहिए, कभी कभी होता है ना कोई बात नीचे ऊपर होती जोश चल जाता है, जोर से बोलते हैं, हम समझते हैं तो बाबा ने हम लोगों को निमित्त बनाया है नई दुनिया की स्थापना के लिए, तो हर बात में ऐसे कहावत भी है, तो संस्कार इस जन्म में जो होंगे वो भविष्य में आएगा, संस्कारों के हिसाब से ही तो जन्म मिलेगा ना, हमने दान पुण्य किया अच्छे घर में जन्म लेंगी, हमारा स्वभाव अच्छा है तो अच्छे स्वाभाविक घर में जन्म लेंगी, और हमारा क्रोधी स्वभाव होगा तो घर भी ऐसा मिलेगा जहाँ जन्म से ही मार पड़ेंगी, तो मार न खाई है जन्म से, कभी बाबा ने हम लोगों को कान भी नहीं पकड़ा होगा, न माँ बाप की मार खाई है और न कभी आदत है, जो थोड़ा होश जोश पर गुस्सा करती हूँ कभी, इसको पता होगा ये हमारे साथ रहती है, करती हूँ कभी गुस्सा, बताती हूँ ना कोई गलतियाँ तो होती है बहनों से,
लेकिन हम ऐसे ढंग से समझेंगे, देखो ये क्या हो गया, अरे दूध की नंगी बह गई, या समझो कोई ऐसा कपड़ा गलती से कोई फाड़ देगा तो कोई हर्जा नहीं है, पुराना है ना का यार नया मिलेगा तो कोई बात, चिंता मत करो। क्योंकि हमको ये बुद्धि में हमेशा ज्ञान रहता है छोटेपन से, तो इस सब बातों से अपने ही मन में अशांति होती है। हम समझो तुमको डांट दिया है तो तुम्हारे तो कान ने सुन लिया, लेकिन मन तो मेरा खराब होगा, ब्रेन तो मेरा गर्म होगा, तो हम ऐसा काम करूं ही क्यों जो पहले अपने को दुख दियूं पीछे तुम्हारे, तुम्हारे को तो देरी से मिलेगा ना यहाँ से दूर से जब तक आवाज आए तुम्हारे पास, भाई पहले तो मेरे को होगा, तो हम ऐसा काम करें ही क्यों जबकि हम परमात्मा की संतान है, आत्मा है, भगवान के बच्चे। ऐसा कोई भी कर्म मन सावाचा कर्म नहीं करना चाहिए जो दुख ले और दुख दे, न दुख लो न दुख, ये मेरे को शुरू से लेकर बुद्धि में रहता है। अब कुछ हो और कह नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव है तो मैं नहीं समझती हूँ कभी मेरे से कोई नाराज महाराज भी होता, चाहती हूँ ऐसे होना चाहिए और समझाती भी हूँ, कभी कोई कुछ नीचे ऊपर जोर से भी बोलते हैं ना, मैं ध्यान रखती हूँ तो अपना ब्राह्मण परिवार लौकिक हो चाहे अलौकिक हो साइलेंट से रहना चाहिए, स्वीट रहना चाहिए, ऐसे मामा का बीज पड़ा हुआ है फल तो वही निकलेगा, जैसा बीज वैसा फल चाहिए ना। और हम लोगों को कभी अनुभव नहीं है ना, मामा ने कभी कुछ भी बताती हूँ ना हीरे गिरा देते थे, कभी भी मामा डांटता नहीं था, कभी मार खाई नहीं है भाई, कान कभी पकड़ाया नहीं, तो जो बाप ने नहीं किया वो हम बेटा कहाँ से करें, इसलिए तो देखो मामा चुन चुन के हमको ही उठा लिया ना। वर्तमान तपस्या वर्ष के दौरान जो ईश्वरीय परिवार के अंदर परिवार की उन्नति के लिए आपने क्या प्लान सोचा है तपस्या वर्ष? हाँ यही सोचती हूँ, तो जितना हो सके चाहे सेंटरों में रहें चाहे एक मास हमेशा रहते, समझो हम कभी बाहर जाते हैं, समझो आते हैं तो रस्ते में बातें करते करते जाते हैं, तो उससे वाइब्रेशन दूसरा रहता है। हम ऐसे समझते समझो यहाँ से हम घर तक जाती हूँ, कहीं भी साइलेंस में जाने से लोगों पर प्रभाव रहता है, क्योंकि चेहरा साइलेंस हसमुख होगा, लोगों में भावना रहेंगी। और बाबा भी हमेशा कहता था बच्चे साइलेंस में रहो, साइलेंस तुम्हारा धर्म है, जन्म से अधिकार है। तो हम हमेशा कहते हैं कुछ भी हो इससे क्या फ़ायदा होता है, तो जहाँ भी हम जिस सेंटरों में रही, बहुत सेंटरों में रही हूँ, कम नहीं है, देखो फॉरेन भी गई तो कम से कम मेरे ख्याल में 40 देशों में गई होंगी, 40 जगह पर, लेकिन सब जगह जब भाषा तो जानती नहीं हूँ, परंतु जब भाषण करती थी ना तो उन्हों को ये रहता था, तो इसके चेहरे से साइलेंस का वाइब्रेशन आता है चेहरे से, क्योंकि हमारी प्रकृति कुछ ऐसी रहती है। और मन से भी हम हमेशा कहती हूँ कोई भी हो, कभी हमारे बुद्धि में ये नहीं आता है तो भाई ये दोस्त है या दुश्मन है, ये ऐसा है वो ऐसा है, भाव स्वभाव किसका कभी देखती नहीं हूँ, बुद्धि में रखती नहीं हूँ, कान पर सुनना पसंद नहीं करती, हमेशा समझती हूँ दैवी परिवार है चाहे कुछ भी हो कैसा हो, प्यार से समझा, समझो कोई आपस में भी कुछ हो तो हम हमेशा सोचेंगे तो उसको प्यार से समझा पाएगा, अरे बाबा ने हमको, और हमको सबसे बड़ी खुशी कोई पूछता है ना तुमको कितने भाई है, हम कहते गिनती बताए नहीं, गिनती नहीं कर सकते। और सच बताऊं हमारे मन से कोई भी सेंटर हो कहाँ का भी हो, मेरे मन से कभी ये नहीं निकलता है ये तो पंजाब है इसने अपना क्या जाता है, संकल्प भी नहीं होते ना, पंजाब भी हमारी है, यूपी भी हमारी है, तो सारी दुनिया हमारी है, अरे बाबा एक है ना, सभी बाबा के बच्चे तो हमारे भाई हुए ना, इसी कारण से क्या होता है तेरा मेरा ये वो, हमको कभी ये तेरा सेंटर है ये मेरा, हमको संकल्प भी नहीं आएगा, सभी हम अपने समझते हैं। और कभी कोई हमको आधी रात को भी कहना दीदी आओ फलाना काम करना है आप चलिए आइए, निमंत्रण नहीं मांगूंगी, चलिए खुशी से सेवा करते हैं हर प्रकार, क्योंकि हम समझते हैं बाबा तो सबका एक है ना, हमारा अलग तुम्हारा अलग तो है नहीं, एक बाप के बच्चे तो कितनी बड़ी फैमिली, बताती नहीं हो कोई पूछता है कितने भाई, हम गिनती नहीं बताते, बेहद की बात चाहिए,
तो बेहद के बाद सही में खुशी भी बेहद ही चाहिए, निसंकल्प रहने का कुछ जाती प्रकृति है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। आपने बहुत समय निकाल करके आपने इतनी भाई बहनों को लाभ कराया, इतना लाभ हुआ, फिर हमको भी कैसेट मिलेंगी इसकी, हम भी सुनाएंगे सबको। अच्छा, और आप लोगों को हाँ निमंत्रण भरो, पहले आप लोगों को निमंत्रण है, कलकत्ता देखा है? नहीं। तुमने देखा है? बहुत बार देखी, परंतु 10 साल से नहीं देखा। 10 साल से नहीं देखा तो बहुत साल से देखा तो क्या हुआ, अभी आप लोग निमंत्रण भी भर दिए हो तो आप लोगों को निमंत्रण है। कम से कम मेरे को ऐसे आता है तो जब पूजा वगैरह वहाँ होती है तो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए, क्योंकि देखने से ना बहुत अनुभव होता है और सेवा भी होती है, सबसे बड़ी बात सेवा। वहाँ तो आजकल ये नया जो बांगुर है उसने तो सचमुच भी ऐसी सेवा है, आते हैं ना बहुत खुश होती है, सेवा का आप लोग थोड़ी सेवा करना बेहद के बाद सही में बैठे हो, कभी काली घाट पर आ जाओ, खुश हो जाएंगे सब, चांस देख के जब निकल सको सहज ये दिखाने के लिए वहाँ आ जाएंगे। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।